योग माया, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे नारी शक्ति से। अंजू जी। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर, मेरे पांचवे क्वेश्चन है सर। हे भगवान, नारी के शक्ति के पहले ही पांचवे क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, पूछ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये जो आपने प्रिंट आउट दिया है 45 जोन का, तो हम उसको एज इट इज प्रिंट आउट भी कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। उसमें बस रंगोली डाल के वो कलर को एक्टिवेट। हाँ वो कलर एक्टिवेट करना है वो। विमी युमा, आपने ऐड कर दिया था ना वो पिक्चर बाद में, जो आपने अलग से भेजा था मुझे? मैंने अलग से ही भेज दिया सर। अलग से भेज दिया? अभी चलो भेजे? मैं भेज दूंगा। ग्रुप में भेज दिया आपने? हाँ सर, अभी भेजे, ठीक है सब लोग चेक ठीक है। करें। हाँ वो ग्रुप में आपके पास आ गया है 45 देवताओं का, जिस देवता का है उसी का वो कलर बनाना है आपने। हाँ, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम उसी में जो दिए रखेंगे सर, तो जो जो आपने सीरीज दिए कि पहला इधर से स्टार्ट करना है हाँ, ब्रह्मा जी से, तो हाँ चैंटिंग भी फिर पहली ब्रह्मा जी से करनी है, फिर ईशा नमा हाँ चैंटिंग भी करनी है। हाँ हाँ चैंटिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्रह्मा जी को बुलाया जाता है सबसे पहले, और ये तो हमेशा यज्ञ में ब्रह्मा जी को भी बुलाया जाता है। ठीक है, स्पेस एलिमेंट के कारक ब्रह्मा जी होते हैं। इसी तरह से जो कोई भी एनर्जी क्रिएट होती है वो ब्रह्मा से क्रिएट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के मंत्र को चैंट करना है, उसके बाद फिर ईश से शुरू करते हुए आप जैसे मर्जी कर लेना। तो सर, जैसे दिए लगा रहे उसी समय बोलते जाएं ओम ईशाय नहीं, नमः, फिर पहले दिए मंत्र। जला लीजिए, पहले दिए जला लीजिए सारे, उसके बाद चैंट करना है। पहले एनर्जी को बुलाइए तो सही ना, एनर्जी इग्नाइट करनी है आपने, फायर एनर्जी को, उसके बाद आपने चैंट करना। उसके बाद सर चेक हो गया, चेक हमने बनाया, उसको एक्टिवेट किया, पूजा कर ली, फिर जो यंत्र आपने बताया था सर, हाँ तो यंत्र भी हम उसी दिन बनाएंगे कि आफ्टर दिवाली बना सकते हैं सर? भाई, पहले बना के रख लो, उस दिन अपना चैंट करना है, उसको चार्ज करना है पूजा में रख के। जी, उसके बाद जो 9 एरिया ऑफ साइकिल फेंग शुई रेमेडी बताई, वो भी उसी दिन करना है सर? कर लो तो ज्यादा बढ़िया भाई, उस दिन कहते हैं ना सौभाग्य आ रहा है आपके घर में। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ रखूंगी सर, वो वो पेपर मैंने जो बताया नॉर्थ? था आपके, वैसे तो नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं उसको, लेकिन आपका अपना ये देखिए जहां पर उसको फिजिकल रूप से देख पाए आप डेली, मान लिया बेड पे हैं तो जहां तक नजरें पड़े आपकी, वर्किंग टेबल है उसके सामने लगाइए। ठीक है, ताकि आपकी नजरें पड़े उस पर, वो आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट होना चाहिए वो, तो आप जल्दी काम करेगा वो। सर, पैसा स्टक हो जाता है तो कौन सा कार्ड का फोटो किस डायरेक्शन में लगाऊं सर? बहुत पैसा स्टक पैसा। कर जाता है, मैंने कल रेमेडी बताई थी शायद हमने परसों, तो उसमें एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें सिंबल्स भी हमने बताए हुए हैं जी जी और एक दो तरीके और बताए, तो उससे मनी रिकवर हो जाएगी आपकी। जी और सर, अब ये थोड़ा ज्योतिष वाला एक क्वेश्चन लास्ट है सर, जो हम कौड़ी और ये जो पूजा करते हैं सर, उसको इस दिवाली में ठंडा कर दें, विसर्जित कर दें? नहीं भी करना है तो उसको रख सकते हो अभी, जब तक आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि कई बार चीज आती है ना कि हमें फील आ रहा है कि यार हमें नई चीज लानी चाहिए, तो नहीं ले आइएगा, वरना एक दो दिवाली आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फीलिंग आ रही जी है सर। आपकी तो हर दिवाली पर कुछ जो चीज चेंज कर सकते हो चेंज कर सकते हो आप। सर, मूर्ति कई लोग बोलते हैं कि नहीं चेंज करनी चाहिए ठंडी, यही मूर्ति की पूजा करनी वो कल चाहिए। हमने क्वेश्चन इस बात का आंसर दिया था, वहां से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तो क्या होगा ना, लोग रिपीट क्वेश्चन पूछेंगे। कि कल बहुत एलेबोरेट से नहीं योग माया ने बताया था, एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जी, वहां पर आपको दी बेस्ट क्लियर आंसर मिल जाएगा। ओके ठीक है सर, यही पूछना था सर बस। थैंक यू थैंक यू सर। रुचि जी। आज हमने ये रखा है कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं वो ना पूछे, नए नए क्वेश्चन पूछे, ताकि सबका फायदा हो। हाँ हेलो जी रुचि। सर, आज सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जो विश बॉक्स है उसमें सब कुछ घर पे है मेरे, अच्छा तो उसको ठीक है, कैसे चार्ज कर सकते हैं? बस कुछ नहीं, आपने क्या करना है, दिवाली के जो पूजन करते हैं आप सिंपल, उस पे रखिएगा, अपने आप चार्ज हो जाएगा माँ लक्ष्मी के सामने। मतलब वुडन बॉक्स में खाली इस साल रख के उनको माँ लक्ष्मी जी हाँ के जी सामने रख दूं? हाँ जी, रख दीजिए, और जो माँ लक्ष्मी की जिस तरह से भी आप जो रिचुअल्स करते आए हैं है ना दिवाली हाँ, पर, वो रिचुअल्स कीजिएगा, सारे प्रोडक्ट अपने आप चार्ज हो जाएंगे। और फिर उसको पूजा के बाद वापस बंद करके बॉक्स को अंदर रख दूं? हाँ, बॉक्स को अपने नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, अपने पूजा घर में रख लीजिए, अपने लॉकर में रख लीजिए, कहीं भी रख सकते हो। और सर, जो हम कैश रखते हैं, मतलब ऐसे जब कैश घर में रखते हैं बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स कौन से मटेरियल का होना चाहिए? देखिए, हमेशा नेचुरल मटेरियल बोला गया या अच्छा मेटल बोला गया? या तो नेचुरल मटेरियल हो, क्रिस्टल्स का हो, स्टोन्स का हो, वुडन का हो, ठीक है, या फिर अच्छे मेटल का हो, अच्छी धातु का। ठीक ओके सर, थैंक यू। है, और आज मैं आपको अब आ गए हैं तो कुछ और भी टूल देके जाएंगे, फिर मैं आज आपको एक और चीज देकर जाऊंगा जिससे कि आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो।
ठीक है, अब दिमाग अभी अभी बात करते हुए आपके दिमाग में आ गया कि यार ये एक चीज रह गई, चलो ये भी दे देंगे। ठीक है, ये बनेगा, वो यंत्र बनेगा, एक यंत्र मैं आपको बनाऊंगा, वो 1 रुपए के नोट से बनेगा। अब 1 रुपए का नोट लाना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक हम फिजिकल रूप में वर्कशॉप कराते थे तो मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लिया करता था 1 रुपए की गड्डी का, नई गड्डी का, और मैं सबको फ्री में दिया करता था 1 रुपए का नोट। तो अब तो फिजिकल है नहीं, और पहले दिमाग में नहीं आया, वरना ना किट के साथ भेज देता आपका। अब किट भी तैयार हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, कल से डिस्पैच ले जाएंगे। ओहो, दिमाग से निकल गया। चलो भाई, आप अपने आप अरेंज करना, महालक्ष्मी करिए, खुद मेहनत खुद करो, वरना दिमाग में पहले आया था ना, कल भी आ गया होता तो मैं आज एक नोट की गड्डी कहीं ना अरेंज कर आपके हर विश बॉक्स में 1-1 रुपये का डलवा देता। और बनाना कैसे है उसको मैं अभी आपको बता के जाऊंगा, कैसे 1 रुपए के नोट से आप एक शेप बनाएंगे। हर शेप किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। जैसे पैरामिड की शेप क्या होती है, शेप ही तो है वो पैरामिड, चाहे प्लास्टिक का हो, क्रिस्टल का हो, किसी मेटल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शेप काम करती है। तो एक हम शेप क्रिएट करेंगे आज 1 रुपए के नोट से, जिससे कि माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट हो। अब क्या पैसे का पैरामिड बनाए तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पैसे को। ठीक है, तो बताएंगे आज आपको। ठीक, चलो श्वेता जैन जी, क्वेश्चन छोटे पूछो, ऑथेंटिक पूछो। जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो विश बॉक्स है उसमें सिर्फ हम एक ही चेक रख सकते हैं या मोर देन वन चेक्स भी रख सकते हैं? रख सकते हो, अगर एक ही फैमिली है ना, और फैमिली ज्वाइंट में है तो रख सकते हो। अब ये नहीं कि हस्बैंड अलग, वाइफ अलग करेगी, बच्चे अलग, ऐसा नहीं है। एक फैमिली है तो एक ही जगह रहते हो, तो डेफिनेटली आप एक विश बॉक्स में मल्टीपल चेक हर फैमिली मेंबर का रख सकते हो। अच्छा, तो और सर जो हमारे इसमें मनी बॉक्स में जो भी सामान है, जैसे ब्रेसलेट का तो मैं सोच रही हूँ अपने फादर को दे दूंगी। ठीक है, और जो 6 मुखी रुद्राक्ष, जैसे मेरा 16 नंबर है बर्थ डेट, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा तो मैं उसको पहन लूंगी। ठीक है सर, रेस्ट ऑफ द सामान का क्या करना है उसको? उसी रखे रहने देना, उसमें रखे रहिए। देखिए बेसिकली ये टूल बन गया, औजार बन गया आपका, अब ये आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, तो ये ब्रिज का काम कर रहा है उस माँ लक्ष्मी से। हम क्या था, हमारी एनर्जी इतनी नहीं है, हमारा ऑरा इतना नहीं है, हमारी मेडिटेशन लेवल इतना है कि हम उस एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें। तो ये हमने कनेक्शन टूल, एक टूल के इस्तेमाल की तरह हमने इसको विश बॉक्स को यूज किया है, ताकि ये एक जरिया बने हमें उस एनर्जी से कनेक्ट कराने। तो इसको अपने घर में कहीं भी रखिए, आप पूजा घर में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, अपने लॉकर में रख सकते हो, वहां रखो इसको, सिंपल। ओके सर, जो चेक बनेगा उसी दिन बनाए हम उस चेक को? नहीं, बना कभी भी सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि उसी दिन बनाना है, डेट उस दिन की डलेगी बस। अच्छा, और सर जैसे मेरे फादर हैं तो उनका चेक मैं बना सकती हूँ या वही बनाएंगे? नहीं नहीं, आप बनाओ, इसमें क्या डीएनए, देखिए कोई भी चीज उसका डीएनए कर सकता है। अच्छा, ठीक है। और सर जो आपने इतने सारे सीजल सिंबल्स और ये सब बताए थे, कोई डे तो नहीं होता कभी? नहीं, कोई डे नहीं होता उसका, कोई डे नहीं होता। और अब हमने आपके सुविधा के लिए उनके ऊपर किस डायरेक्शन में उसको लगाएंगे वो भी लिखकर भेज दिया। ठीक है, आप कैरी कर ही सकते हो, लेकिन अगर कोई डायरेक्शन में लगाना है तो मैंने हर सिंबल्स को, जो नई पीपीटी आपको गई इसलिए थोड़ी लेट होगी, वरना हम सुबह भेज देता मैं आपको, तो वो सारे करेक्शन करनी थी, कुछ और करेक्शन, कुछ ये ऐड की हमने उसमें, तो इसी चक्कर में शाम को भेजा गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, और क्वेश्चंस क्लियर। ओके सर, थैंक यू, हैप्पी दिवाली इन एडवांस सर। चलो थैंक यू, हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने विश बॉक्स के लिए लिखवा दिया है, शायद पेमेंट अभी नहीं की है, तो प्लीज पेमेंट भी कर दें। और क्योंकि हम कल से डिस्पैच शुरू कर रहे हैं, और कोशिश करें कल ही कल सारे डिस्पैच कर दें, क्योंकि कल 28 हो गया, अब 4-5 दिन जाने में लगेगा, तो आप भी सेफर एंड पे 1 या 2 तारीख को आप पहुंच जाइए। तो ना कि आप वेट कर रहे हो यार, दिवाली कहीं देने नहीं जा रहे, दिवाली नहीं मना पा रहे यार, मेरा विश बॉक्स आएगा। तो हम चाहते हैं आपको टाइमली आपके, अब फेस्टिव सीजन है तो कई बार एक आध दिन कोरियर में भी तो ट्रैफिक है ना इस टाइम, तो कोरियर वाले भी एक आध दिन लेट कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं ईजी वे से, और दिवाली से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपके घर सामान पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए जिसने मंगाना है, अभी भी हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है, 10-15 अभी और है हमारे पास, जो हमारे पास आगे हैं, हमने रिसोर्स है हमारा, तो उसके बाद 10-15 और बचे हैं अभी। वो कह रहे हैं ये बता देना सुबह तक, तो मैं आपके लिए रखे हुए हैं। ओके, तो जिसने पेमेंट नहीं किया, नाम लिखवाया था, प्लीज पेमेंट कर दीजिए ताकि हम डिस्पैच शुरू करें कर। और जिसने लेना है तो अभी भी ऑप्शन खुला है, 10-15 हम और दे सकते हैं, इसके फालतू नहीं है हमारे पास, 15 के आसपास उसने बोला था ये हमारे पास है। अच्छा, इसका रह गया। सुदीप साहब मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट भेज रहा हूँ, मेरे को हेलो भेज दो यार, है ना, हेलो भेज। और कल कुछ लोगों का हम नहीं एंटर करा पाए, इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं, 1-2 लोग हमारे थे जो इनको हम एंटर नहीं करा पाए कल।
तो कोई बात नहीं, महालक्ष्मी को कोई बात नहीं, महालक्ष्मी के लिए कोई वो नहीं है, उनकी कृपा आप तक वैसी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके पास है, कोई डाउट्स आपका रहेगा तो आप मुझे पर्सनल लेवल पर भी पूछ सकते हो। चलो संध्या रानी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा सर। सबसे बड़ी समस्या मैंने अपनी बनाई है कि मैंने सारे कोर्स करे हैं लेकिन मुझे नींद की समस्या है, नींद की समस्या है मुझे, तो आपने कहा था कि आज हमारे साथ जुड़ना तो मैं बताऊंगा। मैंने सारे कोर्सेज कर लिए लेकिन इसका हल मुझे बताइए, मैं बड़ी परेशान हूँ पूरी रात रात। नींद नहीं आती है? नींद आती है। नहीं सर नहीं आती है, सुबह आती है 4-5 बजे के करीब, पूरा मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मैं बड़ी ऐसे लथार्जिक से फील करती हूँ, घर का भी देखना पड़ता है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, 2-2.5 साल से ऐसा हो रहा है कि मुझे। चलो पहले योग माया से पूछ लेते हैं, इनके पास कुछ टूल होगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करती है, फिर मैं कुछ रेमेडी मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत भला होगा आपका मेरी समस्या से मुझे निजात दिलाए। संध्या जी देखिए क्या होता है कि नींद है ना, हाँ जी, वो तब आती है जब आप कुछ और नहीं करना चाहते। जब तक आप जिंदगी में ऐसा भाव रखते हैं कि मुझे कुछ करना है या रह गया कुछ जिंदगी में करना, नहीं ये चीज रह गई करनी है, तो क्या होता है ना, आप अपने माइंड को मैसेज दे रहे हैं कि अभी नहीं सोना है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कॉन्शियसली हम क्या है, सोना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हमको सोना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को क्या कह रहे हो, नहीं सोना नहीं है, मुझे ये काम करना है। तो रात में आप जब भी सोने जाएं तो शव आसन इसीलिए कहा गया है कि आप इस तरह से माने कि आज के जितने भी काम थे आज का दिन समाप्त होता है, आज का डे इज ओवर नाउ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे विश्राम करना है। जब आप इस तरह का मैसेज देने लगते हैं तो आप 7 दिन तक देखिए करके कि आप सोने से पहले अपने दिमाग को यही मैसेज दीजिए कि आज का दिन खत्म हुआ, जो भी काम होने थे वो सारे भगवान की कृपा से हो गए, मैं बहुत खुश हूं और अब मैं सोने जा रही हूं। ठीक है, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसमें काम करने के लिए क्या बताया गया है कि काम करने के लिए सूर्य जी की उपासना क्यों करते हैं, ताकि वो हमें शक्ति दे कि हम अपने जीवन में जो कर्म करने आए वो कर्म करें। तो जब रात का समय हो जाता है तब हमारे को भगवान को अपना सरेंडर करके समर्पित करके क्या करना है, उनके में ध्यान लगाना है कि अब हमारे जो जीवन से जीवन के मनुष्य जीवन के रिलेटेड जो ड्यूटीज थी वो पूरी होती हैं। ठीक है, इसको आप गहराई से समझिए इस चीज को कि अब आपको सोना है, अपने दिमाग में ये चीज हमें सबको डालनी है जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे पहले कि आज के सारे काम पूरे हुए मेरे। ठीक है, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छा ये होता है कि पोस्ता होता है ना, पोस्ता के बीज होते हैं, किसके पोस्ता कहते हैं, खसखस के बीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर इसमें कुछ और सहयोग लेना चाहते हैं खाने पीने का तो क्या करेंगे आप, खसखस के बीज को बहुत हल्का सा भूनते हैं, बहुत ही हल्की आंच पे उसको पीस के आप बहुत कम दूध में, आधा दूध आधा पानी जितना चाय का कप होता है बस उतना हल्का गुनगुना में वो मिला के पी लीजिए। अब क्या है, ये दोनों तरह से काम होगा, एक तो आपके शरीर में ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो कि आपको सोने में सहयोग देंगे, नींद लाने में सहयोग देंगे। ठीक है, और दूसरा आपको भी ये बोलना है कि आज मेरे सारे काम पूरे होते हैं भाई, अब मैं चैन से सो सकती हूँ, अब जो काम होंगे वो अगली सुबह होंगे और अगली सुबह का मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये दो काम आप करिए और अपने साथ एक एक चीज ये बना के रखिए कि एक कोई ऐसी चीज आप रात में जरूर सुनिए आप सब लोग, जो ऐसी वाणी हो जो आपको रिलैक्स कर दे, कोई भी ऐसी चीज आप या तो यूट्यूब से डाउनलोड करके रखिए, इंटरनेट ऑन नहीं होना चाहिए जब आप रात में सोते हैं। एक सब चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अपना वाईफाई ऑन करके सोते हैं तो वो अच्छी चीज नहीं है। ओके, आप सब लोगों को रात में सोते वक्त अपना वाईफाई बंद करके रख सोना है, इंटरनेट जो घर का होता है ना उसको बंद करके सोना है, क्योंकि आजकल सबके यहाँ ऑलमोस्ट 5G हो गया है, तो उसमें रेडिएशन है वो बिल्कुल सही असर नहीं डालती हमारे ऊपर।
इंटरनेट ऑन करिए और यूट्यूब से डाउनलोड करके रखिए कोई भी ऐसा भजन कीर्तन जो भी आपको शांति की स्टेट में ले जाता है उसको सुन के सोइए। ठीक है ये आपको तीन चीजें करनी है। ठीक है, और पूरे मन से आप 7 दिन करिए और फिर आप बताइएगा कि क्या आपको इफेक्ट मिलता है आफ्टर 7 डेज। ठीक है, थैंक यू सो मच, पूरा कोशिश करूंगी, बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन बहुत परेशान हूँ इस समस्या से। कोशिश सोने की कोशिश से सोना नहीं आएगा मैडम। हाँ नहीं, थोड़ा सा ये सब कि नींद तब आती है, माइंड रिलैक्स होता है जब थॉट रुक जाते हैं, जब तक थॉट चलते रहेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। अब थॉट को रोकना है, अब आप यही सोच रहे हैं सोना है सोना है सोना है, उस वक्त और ज्यादा थॉट चला रहे हो आप इस प्रेशर में कि सोना है, छोड़ दो रिलैक्स हो जाओ। थॉट्स तो चलते हैं, क्या करें, कुछ है ही ऐसे। यही तो बात है मैडम, यही ब्लॉकेज है कुछ ना, कि थॉट चल रहे हैं आपके। जैसे योगमाया ने क्या बताया, आपके टास्क ही खत्म नहीं हो रहे, चाहे वो मेंटल लेवल पर है चाहे फिजिकल लेवल पर है। तो फिजिकल लेवल पर तो आज के दिन खत्म कर दिया आपने, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज आपकी लाइफ में है, चाहे वो इस जर्नी के, पता नहीं कौन सी जर्नी के है, जो कि आपके सबकॉन्शियस में इस टाइम आ रहे हैं वो, और वो परेशान कर रहे हैं आपको, कि जब तक वो थॉट शांत नहीं होंगे तब तक वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे। ठीक है, विचार सबसे अच्छी बात जो आप बताइए वो तो किया करिए, लेकिन सुबह उठते ही ना डेली थोड़ी देर या 10 मिनट या 15 मिनट एक मेडिटेशन की आदत डालिए आप। मेडिटेशन में ये नहीं कि कुछ सोचना है, कुछ कलर देखे, कुछ नहीं, सिर्फ रिलैक्स होकर बैठना है और ये देखना है कि शून्य कैसे आता है, मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है, भूलने की कोशिश करो कुछ आसपास देख रहा है, आवाजें आ रही हैं, ऐसा फील करो कि आप जैसे कि बताता ना अपनी मग में बच्चा बैठा होता है, उसे पता नहीं आसपास क्या हो रहा है, ऐसा 10 मिनट 15 मिनट बैठने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, एक कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फिर नींद की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ती है, तभी आप अच्छी नींद लेते। ठीक है, ये कीजिएगा जो योग माया ने बोला वो कीजिएगा। एक चीज और है, मन मन शांत नहीं है, है ना, तो मन का कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में 4000 अफ्लिक्टेड होगा, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा, तो डेली 108 टाइम चंद्रमा के मंत्र को चैंट जरूर करना है। वो मैंने स्टार्ट कर दिया आपने। बढ़िया, ये कर दिया, अपने आप ही 21 दिन में रिजल्ट देख लेना। ठीक है, और एक चंद्रमा का न्यूमेरिकल यंत्र बनाकर अपने पिल्लो के अंदर डाल यंत्र, हमने उसमें नोट कर लेना, पीपीटी में है चंद्रमा का न्यूमेरिकल मंत्र यंत्र, सॉरी। ठीक है, उसको आपने हाथ से बनाना और उसको अपने पिल्लो में डाल लेना, अपने आप ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यंत्र बना के पिल्लो में डालना है और मंत्रा चैट करना, मंत्र चैन करना डेली किसी भी टाइम कर। श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्र। हाँ जी, हाँ जी, वही वही कर लेना। ठीक है ये तो स्टार्ट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखिये सभी के मैं कह रहा हूँ कि मंत्रों में इतनी पावर है, मंत्रों को पहचानो, मैंने साक्षात चमत्कार देखे हैं मंत्रों से होते हुए। ठीक है, तो आप सभी भी अपने जीवन में लेकर आओ मंत्रों को, इसलिए आप मेरी देखेंगे कोई भी रेमेडी मैं बिना मंत्र के नहीं देता, और मंत्र एक ऐसी टूल है आपके पास कि कोई भी आप रेमेडी करो अगर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हो कई गुना, तो उसके साथ उसका मंत्र चैंट कर लो। पहली बात, कोई भी रेमेडी जो भी आप कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, आप डरते हो यार ये रेमेडी उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी, इसके कोई नुकसान तो नहीं हो जाएंगे, अगर ऐसी फीलिंग है तो वैसी खत्म हो गई, क्योंकि जिसके साथ मंत्र जुड़ गया अब वो जो भी आप रेमेडी कर रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो हमेशा जो भी प्लान की आप रेमेडी करें, जिस नंबर की आप रेमेडी करें, उसके मंत्र चैंट जरूर कीजिए, और कम से कम 108 बार, वो भी लॉजिक 108 क्यों करें यार। ठीक, आयुषी जैन। जय श्री कृष्ण। मेरे 2 क्वेश्चन तो हो गए हैं सॉल्व। सर, एक जो आपने चेक्स वाला बताया था कि अभी किसी ने पूछा था कि हम मल्टीपल चेक्स रख सकते हैं या नहीं, तो जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरा ये एक सैलरी अकाउंट होता है एंड देन अनदर इज माय बिजनेस अकाउंट, अब मैं दोनों में ही ग्रोथ चाहती हूं, तो मैं दोनों के चेक बिल्कुल दोनों रख सकती हूं? एक अकाउंट और होता है वाइफ का या फीमेल का, वो पति से लेती है ना, वो गुल्लक में वो भी उसके लिख दो एक कि पति से पैसे आते रहे, पैसे लक्ष्मी आती रहे। तो ठीक है, जितने भी आपके अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जितने भी आप चेक बनाकर डाल सकते, नोट डाउन। ठीक है सर, और सर जो हमने पर्सनल न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाया था, आज सब ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें 2 चीज पूछनी थी। उस दिन सर हमने आई थिंक जो डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करी थी ना, तो ये कि न्यूमरोलॉजी बेस में है, मैंने जो सीखा है उसमें मैंने सीखा है कि अगर 1 to 9 के डेट होती है, जो लोग 1 से 9 में पैदा होते हैं, हेंस उनका ड्राइवर भी वही होता है, तो ड्राइवर और जो डेट है वो आप एक ही बार लिखते हो, इधर आप डेट लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की 2nd Feb है, तो 2nd Feb है तो 2 आ गया डेट में, 2 आ गया मंथ में,
और ड्राइवर भी 2 आ गया, तो हम इसे 222 नहीं लिखेंगे, इसे हम 22 लिखेंगे। एक तो डेट का हो गया, ड्राइवर और डेट बना एक ही 2, एंड दूसरा मंथ का। बट उसमें जो हमने डेट आई थिंक हमने जो ली थी उसमें 1 3 बार नहीं आना था वो, मतलब मुझे याद नहीं आ रही वो डेट, बट मेरे को उसी टाइम पे क्वेश्चन आया था, बट मैंने उस टाइम पूछा नहीं था ये। चलो कोई बात, मैं बता देता हूं, इसके लिए लॉजिक बता देता हूं। देखिए वो ठीक है आपकी कि 1 2 1 से लेकर 9 तक हमारे पास है, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इसका अलग सिग्निफिकेशन है। हमारे जो हमने कल मनी अट्रैक्शन का किया है, परसों आपको बताया था, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। हम 3 बार लिखे, 2 बार लिखे, उसका तो कोई डिस्कस ही नहीं किया हमने। यस सर, यस, हमने तो मिसिंग नंबर लिए थे, करेक्ट। बस तो अगर आपकी मर्जी है तो उसको लेना चाहे लेना, हम तो मिसिंग नंबर बुला रहे हैं अपनी लाइफ, सिंपल। क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन से नंबर से क्या प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आएगी, है ना। तो हम कहते हैं सारी प्रॉस्पेरिटी है हमारे पास, तो हमने सारे नंबर को लिया है बेटर रूप से। ठीक है सर, ऐसा भी होता है कि एक नंबर अगर 4 टाइम्स और 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम भाग्य भी बनाएंगे, मतलब है वो। सर मैंने मिस कर दिया था, आई थिंक वो ग्रुप में मुझे किसी ने बताया तो। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार क्या होता है कोई नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है ना, तो वो ओवर इंटेंसिफाई हो गया आपके लाइफ। Correct, वो भी चीज ना ओवर या एक्सेस नहीं होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और डेफिशिएंसी इज आल्सो बैड। तो मैंने तो ना तो डेफिशिएंसी चाहिए किसी भी चीज की, ना ही ओवर एक्सेस चाहिए। तो जो ओवर है उस पे आप शिव शक्ति यंत्र बना देंगे। कोई बहुत बार रिपीट हो रहा है कोई नंबर आपके पास, तो उस खाने में जाकर आप एक शिव शक्ति यंत्र बना दीजिए। ओके ओके सर, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, एक चीज और थी, जैसे कि अब दिवाली पूजा में, मतलब जैसे मेरा एक मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये, काफी लोग होते हैं जिनका कोर्ट केस है, लीगल कुछ रिलेटेड चल रहा होता है, तो पूजा में वो लोग पेपर्स या जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो रखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल से मेरा जैसे ट्रेडमार्क है, मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है और वो उसमें हर्डल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ऑल्दो पार्शियली क्लियर हुआ है, तो मैं उसे पूजा में रखती हूँ, मैंने मंदिर में ही रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो क्या हम कुछ ऐसा स्पेशल आउट ऑफ द मनी बॉक्स में से कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आपको मैंने प्रोटेक्शन यंत्र दिया हुआ है। जब आपको हमने बहुत सारे यंत्र दिए थे तो वो प्रोटेक्शन के लिए है कि आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड रहे, आपको मिल जाए, सिंपल। ओके, तो मतलब पूजा में मनी बॉक्स के साथ में एंड दैट सिंबल बना के रख सकते। और आप जल्दी और जल्दी चाहते हो तो जो आपके ट्रेडमार्क की फाइल है ना उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन यंत्र बना दीजिएगा, ठीक है। और दिन में एक बार उस टाइम के लिए, या अगर कोई ऐसा स्पेस है वहां रख ही सकते हैं, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप उस पेपर को रख दीजिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ओके ओके सर, तो वैसे वो चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज आपको दी हमने। यस सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आएंगे तो कुछ तो मिलता ही रहेगा। yes, हम, हम भी तो भरे बैठे होते हैं, हम भी सोचते हैं मिले बता, हम बताएं किसी। yes, thank you so much. Thank you. और सभी को साथ साथ दिवाली की शुभकामनाएं भी साथ साथ लेते चले। वैसे तो हम ग्रुप में डालेंगे बैनर, लेकिन फिर भी एक फिजिकल कनेक्ट हो रहा है आज, तो सभी को विशेष भी लेते चले हैं साथ साथ। ओके ओके, आगे हिना बच्चे तू क्या कर रही है? सर मैंने तो कल भी पूछा था, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और मैंने आपसे सर कल पूछा था ना वो कर्ज डेप्ट के लिए और इसके लिए हेल्थ के लिए, क्योंकि सर जो मेरी फैमिली सराउंडिंग्स में, जैसे मेरी सगी मासी, शी इज ऑन बेड लास्ट फ्रॉम 6 years, तो मुझे उनको ठीक करना ही है, क्योंकि मैं जब अभी थोड़े दिन पहले उनसे मिलने गई थी जानबूझ के एक्चुअली कि मैं ये कर रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं उनपे कितना कर सकती हूँ। तो फिर तो मैंने एक होप देख के आई हूँ और मुझे वो होप कंप्लीट करनी है, ठीक है। और मैंने उनको ट्रेनिंग में देखा भी था। रेकी आप सीख रहे हैं शायद? हाँ सर, हाँ मैं सर सीख रही हूँ। इतना बढ़िया टूल सीख रहे हो आप, सेकंड लेवल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास सिंबल्स मिल जाएंगे आपको, तो आप अभी भी कर सकते हो, नो डाउट। ऐसा नहीं कि अभी अभी बहुत अच्छा टूल आपके पास है, लेकिन कुछ सिंबल्स आपके पास आ जाएंगे तो आपकी और पावर बढ़ जाएगी, तो बस आप डेफिनेटली उनका इलाज कर सकते हो, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का डाउट, ठीक है। तो उनके लिए मैं दिवाली में कुछ देखिए विश मांगनी है, सौभाग्य मांगना है, ठीक है। तो हम लक्ष्मी को मतलब ये नहीं कि कैश फ्लो बढ़े, हम कहते हैं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के हमारे नियर डियर वो भी खुश रहे, ठीक है। तो सिंपल है वही सारी चीजें जो हमने दिए हुए हैं कि आपके घर की एनर्जी बैलेंस हो, सबकी एनर्जी बैलेंस हो, ठीक है। उनका एक स्पेशल आप ये कर सकते हो कि उनका न्यूमेरिकल यंत्र बनाओ आप स्पेशली, ठीक है, जो एक उनका पर्सनल न्यूमेरिकल यंत्र बनेगा, उनका ग्रिड बनेगा, उसको खुद से चार्ज करो, जितनी रेकी आपने सीखी है उसको रेकी ऊर्जा से चार्ज करो, उसको दिवाली की माँ लक्ष्मी से चार्ज करो, उनके पास भिजवाओ उस यंत्र को। अब वो पास रखे कहाँ रखवाएं उनको? मैं अपने पास रखे, उसके द्वारा में रहना होता है बेसिकली, अपने टेबल पर रख लें, अपने नियर डियर में कहीं भी बॉक्स में रख लें उसको, ताकि उसकी ऑरा उसको मिलती रहे,
और सर वो कर्ज मुक्त भी मैंने आपसे कल पूछा था ना, क्या कर्ज कर्ज डेब्ट, वो डेट के लिए भी हमने ये सिंबल्स दिया और सिंबल का यूज कीजिए आप। और वो और एक क्वेश्चन पूछना था सर, मैं ना एवरी फर्स्ट जन को ना एक डायरी बनाती हूँ विश लिस्ट की मेरी खुद की, ठीक है, और मैं उसमें लिखती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ईयर जैसे स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे अक्कल साइंस जाना है और मैं आ गई, ठीक है। बट मैं वो क्या करती हूँ, जैसे मैम ने कहा ना 43 डेज आप एक डायरी में अफर्मेटिव्स जो मनी के वो मैं लिख सकती हूँ, राइट। और फिर मैं क्या करती हूँ, वो 31 दिसंबर को मैं उसे मतलब नदी में डाल के आ जाती हूँ और फिर मैं फर्स्ट से न्यू बनाती हूँ। कि जब मनी अफर्मेटिव जो मैं लिखूंगी तो फिर वो कैसे करना, मतलब वो फिर डायरी में नहीं ये कर पाऊंगी, और मैं उस डायरी में लिख सकती हूँ कि उसके लिए मैं अलग डायरी लूँ? कोई नहीं, अलग अलग भी कर सकते हो या उसमें भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। उसमें सिर्फ मेरी विश लिखी हुई है, मतलब मैं भाई अलग से कर लो, फिर अलग से कर लो, ऐसा आपको लगता है अलग से कर लो। तो फिर वो उसको करना क्या, मतलब अगर मैं लिख के रख लूं तो वो डायरी हमेशा अपने पास रखो? अपने पास रखो, जब आपको लगे कि भाई इसकी जरूरत नहीं है या जो मांगा है मिल गया है, तो उसको हमने हमेशा बताया किसी चीज को बर्न करके उसको आप अग्नि के सपूत कर सकते हो और वो अर्थ एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी हो गया, मिट्टी को आप खाद के रूप में यूज करो, प्लांट में डाल दो उसको, सिंपल। ओके, जब इंसान भी हमारी संस्कृति इतनी रिच संस्कृति है, जब इंसान का शरीर पूरा आ जाता है तो अग्नि के हवाले कर देते हैं, ज्यादा सबका नंबर आ जाए, हमें देने में कुछ नहीं, हमारे पास ये टाइम लिमिटेड है, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ले लें। नागेश जी, नागेश अय्यर जी, अपने नाम को बुलाना कितना अच्छा लगता है ना। नागेश जी, नागेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। एमएस नागेश अय्यर जी, चलो। ललिता मोहन जी, नमस्ते। नमस्ते जी। सर जो पर्सनल यंत्र और लॉसो ग्रिड मिसिंग नंबर जो बता है आपने, इनकेस सब कुछ किसी का डीओबी नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? डीओबी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम आप वो ग्रिड पूरी बना लीजिए, आप लोशू ना पूरा ग्रिड बना लीजिए। हाँ, ग्रिड बनाएंगे और आपको नहीं पता कौन सा नंबर मिसिंग है, ठीक है। अब आपने ग्रिड में ये मान के चलना है मेरे सारे नंबर मिसिंग है, मुझे सारा कुछ दोबारा दे दो भगवान, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, और जो है नहीं वो मेरे लिए है ही नहीं। कहते हैं ना, जा तू मेरे लिए मर चुका, अब इंदा मरा तो ही ना है लेकिन उसके लिए मर चुका, लेकिन बंदा तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अब नंबर डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं आपके लिए, तो आपके पास नंबर होंगे लेकिन आपके लिए तो मरे समान है, जब पता ही नहीं आपको है कहाँ है। एक्चुअली डीओ भी मालूम है, सर्टिफिकेट का अलग रहता है। कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, एक लोशू ग्रिड बनाइए, 3x3 ग्रिड बनाना है। अब आपने 1 से लेकर 9 तक के सारे ही यंत्र रख दो उसमें, अच्छा बात ही खत्म होगी। शिव शक्ति यंत्र बनाया और हर नंबर का न्यूमेरिकल यंत्र वहां प्लेस कर दीजिए, और आपके भगवान को पता है, ठीक है, जो चीज होगी अपने आप डेस्टिनेशन पूरी हो जाएगी। जैसे पहले मैं बचपन बड़ा सोचता था, बताएगा अरे दांत में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, गोलियां खाते हैं जाती पेट में है, वो दर्द उंगलियों हो रहा है, यहां तक पहुंची की कैसे, आज तक मेरे को ना क्वेश्चन याद है यार, पेट में गोली जाएगी लेकिन दर्द मेरे को उंगली में हो रहा है, कैसे नाम पड़ता होगा। तो इसलिए आप सारे कर डालो, अपने आप डिवाइन एनर्जी चूज कर लेगी किस नंबर की एनर्जी की आपको जरूरत है, कौन सा मिसिंग है, उसकी डेफिनेशन अपने आप दे, ठीक। और जो पर्सनल यंत्र नहीं हो सकता ना, पसंद नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई कोई प्रश्न नहीं, आपको इतने सारे और टूल दे दिए, वास्तु कर लीजिए, फैंक्शी कर लीजिए, इतने सारे टूल दे दिए, इसलिए मैं आपको बहुत सारे टूल दे दिए, कुछ तो होगा आपके पास, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो अपना फैंक्शी वाली रेमेडी कीजिए, वास्तु की रेमेडी कीजिए बस, और लक्ष्मी किट आपको दे रहे हैं हम, विश बॉक्स आपको बना दिया है, उससे मांगो, लक्ष्मी से मांगो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर और एक बात है सर, इम्पोर्टेंस ऑफ जो 6th हाउस जो बोले वो पल्ले नहीं पड़ा सर मेरा, एक्चुअली 6th हाउस इस वक्त यूज होता है, एक्चुअली क्या करते हैं अब देखा ना, ज्योतिष आ जाएगा यार, मैं तो देखिए हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपने बोला इसलिए दिया था कि जिसको ज्योतिष आता है वो समझ सके,
अब यहाँ छठा घर क्या क्या देता है समझाऊंगा तो सारा बच्चे क्या क्या रखना है। रखना ये था जैसे हमने बताया था किसी को अपने शत्रुओं से भय लगता है, आपके एनिमीज बहुत हैं, आप पे कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, है ना, आपका कोई रिलेशनशिप क्या चल रहा है, तो अपनी कुंडली बनाइए, सॉफ्टवेयर में डिटेल डालकर कुंडली बनाइए, उसके छठे घर के अंदर वो प्रोटेक्शन वाला सिंबल या ऋण वाला सिंबल वो प्लेस कर दीजिए। अच्छा, दुश्मनों से कैसे बचा जाए, हमने तीन चार सिंबल दिए हैं, अपने कुंडली के छठे भाव में वो सिंबल्स बना सकते हो, कुंडली तो आपकी है ना, जी जी, तो कनेक्ट हो गया, डिजीज डिजीज भी अच्छा हो सकता है ना। हाँ जी, डिजीज भी हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, और एक बात है सर, मैं की सुना था एक्चुअली सेवन चक्र और जो हमारा कुंडलिनी जागरण जो होता है, हाँ, टाइम ऑफ मतलब वो मेडिटेशन, हाँ, वो पर्टिकुलर जगह को थोड़ा स्क्वीज करने से अच्छा हुआ क्या, ऐसा कुछ सुना था मैंने। अच्छा चलो, योगमाया जवाब दे देगी, योगमाया प्लीज। कुंडलिनी अवेकनिंग जो है, कुंडलिनी जागृत करना, हाँ, ये बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, कोई किसी का एक तरीका नहीं होता, हर एक का अलग अलग तरीका होता है। पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा स्क्वीज करके वो चांटिंग करने से वो अच्छा होगा क्या, ऐसा मैं सुना था इसीलिए। अब हम कभी और डिटेल में कभी चक्र मेडिटेशन कराएंगे तो आपको समझाएंगे कैसे कैसे, और क्योंकि ये एक हायर लेवल होता है, जब आप और ज्यादा जाते हैं चक्र मेडिटेशन में तो वो पॉइंट भी आपको बताए जाते हैं, क्योंकि हर कोई उस पॉइंट को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता इस तरह, तो जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं तब आपको बताया जाता है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके शरीर में है, सब कुछ है, बहुत अलग अलग तरह की साधनाएं हैं। ठीक है, लगता मन जी, चल अभी जो हमने पढ़ा है ना, प्लीज मेरे से सबसे सभी जो अब तक पढ़ा है उस पर कंसिडर कर लो, बाकी ये सेमिनार वेबिनार ये चलते रहेंगे, कि ना कि कनेक्टेड तो हम हैं, उसमें पूछो जो पूछना है हमने, अभी हम चाह रहे हैं कि सिर्फ जो हमने पढ़ा है आपको उससे रिलेटेड पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो हम चेक बना के रखे रखना है सर, हम एक ही अकाउंट, मेरा तो एक ही अकाउंट नंबर है, सेकंड नंबर दो चेक लिखी गए, मैं एक तिजोरी पे और एक अपनी नॉर्थ ईस्ट पूजा घर में रख सकता हूँ सर। हाँ कर सकते हो, आप मल्टीपल भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे तो चाहिए चाहिए, मैं तो दो रखूंगा, है ना, कई बार क्या होता है ना इंसान सेकंड ऑप्शन रख के चलता है कि भैया कोई बात नहीं, अगर इसमें कुछ कमी होगी तो दूसरा, तो अगर आपका ऐसा है तो आप दो रखो, तीन रखो, एक रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा थैंक यू सर। और एक सर, हम जो शक्ति चक्र दिवाली के दिन रंग से लिखते हैं सर, उसमें वो जो 45 देवता का नाम लिखना पड़ता है सर। हाँ जी, नाम लिखेंगे तो बहुत बढ़िया, लिख दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, उनके नंबर लिख सकते हो आप सर। और एक डाउट है, जो नाम लिखेंगे हम सोचे रेड कलर पर एक प्रजन्या या किसी एक का नाम लिखेंगे, उसके ऊपर और कौन से सिंपल कीजिएगा, सिंपल कीजिएगा, आप किसी कागज के 45 टुकड़े बना लीजिए पेपर के छोटे छोटे, उस पर लिख कर रख लीजिए पहले से, जब वो ब्लॉक बनाएंगे उस पेपर को वहां रख दीजिए, सिंपल। हाँ ठीक है सर, ऐसा कर लो, ठीक है, फिर बाद में पेपर को उठा के सबको बर्न करके ऐसे उनकी प्लांट में डाल दो, बात ही खत्म होगी। जी जी सर, सिंपल प्रोसेस। थैंक यू सर। सर मैं एक ही चक्र बना सकते हैं या एक से अधिक चक्र बना के और कहाँ रख सकते हैं सर? नहीं, एक ही रखो, एक ही रखो, घर एक है ना, एक घर में एक ही, पूरे घर के अंदर वही 45 देवता है, तो एक ही बनाना है सर। कहाँ रखना है सर? नहीं रखना नहीं, पूजा करनी है उसकी, बस खत्म कर देना उसको, फिर बर्न कर देना है, या अगर वैसे जमीन पर बनाया तो उसको साफ कर देना है बस। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। सैदा साहिबा, साहिदा जी, हेलो। हाँ जी जी, हम पूछना चाहते हैं कि कल जैसे वो रूट चक्र मेडिटेशन किया था फॉर प्रॉस्पेरिटी, हाँ, उसी तरह से अगर किसी का मतलब ये सैक्रल चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो उस चक्र में ध्यान लगा के हम लोग कर सकते हैं ना फॉर दैट पर्टिकुलर? बताते हैं योग माया। और उसमें हाँ, कौन सा शब्द होगा, मतलब ये साउंड
सहिदा जी आप रेकी क्लास में थे क्या हमारे? नहीं थे। अच्छा रेकी क्लास में। तो हर एक चक्र का अपना होता है साउंड होता है, तो आप सेक्रल चक्र के लिए जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए जब भी आप सेक्रल चक्र के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें रूट चक्र को सबसे पहले आपको बैलेंस करना ही करना है, ठीक है? तो रूट चक्र को बैलेंस करते हुए तो लम बोलेंगे आप जैसे आपने किया था, उसके बाद फिर आप वम बोलेंगे, वम, वाई ए एम, वी ए एम, वम, व बना है व के ऊपर एक बिंदु, ठीक है, वम, वम, हाँ, तो रूट चक्र जरूर करते हुए फिर आप सेक्री पे जाइए, ठीक है। और जो डाइजेशन रिलेटेड हुआ तो सोलर प्लेक्सस करना होगा, तो उसके लिए वो आपको भेज देंगे, चलो ग्रुप में भेज देंगे। हाँ, बात सभी का फायदा हो जाए। कुछ हुआ तो सोलर से साहिदा जी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बात दूसरे के भी हो, तो हम आपको वैसे जिसने रेकी किया उसके बाद तो सिंबल्स चले गए, चक्रा का क्या है, सिंबल्स क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या शब्द है, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, वहां से नोट कर लेना। लेकिन ये है कि बाकी चक्रा बाद में चार, देखिए प्रोसेस यही है, जब तक रूट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी बिल्डिंग है, आपकी नींव है, वो अगर वही वीक होगा तो ऊपर के जितने मर्जी चार्ज कर लो, मतलब बिल्डिंग ऐसी है कभी भी हिल डुल सकती है, बिखर सकती है, मतलब रूट को करना ही करना है, मैंने वो तो नींव है, वो तो करना ही करना है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से रूट चक्र, और जब बॉडी तैयार नहीं है तो फिर कैसे कैसे बात बनेगी, ठीक है, रूट सबसे पहले। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर उत्कर्षा जी। और अभी भी जिसने विश बॉक्स मंगाना है तो गरिमा को मैसेज कर सकता है, और जिसने नाम लिखा है पेमेंट कल दोपहर तक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर हम चाहते हैं कल ही फ्री हो जाएं डिस्पैच कर कर। यस हेलो, हाँ जी, हाँ जी उत्कर्षा जी बोलिए, डॉक्टर डॉक्टर उत्कर्षा जी बोलिए। हेलो, यस यस बोलिए मैम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही था जो मैंने दोपहर को पूछा था सर, कि मेरा मिसिंग नंबर ना 278 है लोशो ग्रेड में, तो सर मुझे ऐसा है कि मैं सक्सेस के लिए बहुत ट्राई करती हूँ बट मिलता नहीं है। देखिए वो बात भी आ गई ना, आपसे बात करने के लिए मुझे 2 दिन वेट करना पड़ा, ऐसा हो रहा है सर। और तो 2 and 8 आपका देखिए मिसिंग है, 2 and 8 क्या अर्थलमेंट के नंबर है, अगर वही आपने पकड़ा है लोशो को, ठीक, तो क्या है कि अर्थलमेंट अगर वीक होता है तो स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ में, स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ स्टेबल नहीं होती। तो आपको मैंने न्यूमरोलॉजी में हैं आप, किस में है हमारे साथ उत्कृष्ट जी, न्यूमरोलॉजी में हो आप, किस में हमारे साथ, टैरो में हो शायद। हेलो उत्कृष्ट जी, तो आपको अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि प्लांट के बीच में रहिए, दूसरा जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया आपके लिए, तो प्लांट के अपने इर्द गिर्द प्लांट रखिए, थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट, ठीक है, मिट्टी में चलना है आपने नंगे पैर, और जितना प्लांट को लगाएंगे जितना ग्रो कराएंगे उतने ही आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने वाली, तो आप ये करना शुरू कीजिए। कभी कभी नेचर को बढ़ाने से हमारी तरक्की मिल जाती है, नेचर को बढ़ाओ, नेचर ही सब कुछ देती है, लेकिन हम इसको डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी कर्ज है हमारे ऊपर। तो नेचर को बढ़ाते हैं आप, प्लांट लगाओ जितने लगा सकते हो, ठीक, उसको प्रोटेक्ट करो प्लांट को, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ जो कहते हैं ना कई बार चीज रुकी हुई है वहां से मूवमेंट शुरू हो जाती है। मैंने बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत टाइम से मैं दे रहा हूँ रेमेडी, और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। जब भी कभी आप स्टक कर जाओ लाइफ में, लाइफ मूव नहीं कर पा रही, कुछ चीज रुकी हुई है, प्लांट लगाने शुरू कर दो आप, फिर देखिए, क्योंकि आप नेचर को बढ़ा रहे हो, और क्या बोला था, नेचर किसी का रखती नहीं है, आप एक दोगे नेचर आपको डबल करके या कई गुना करके दे, ठीक। निशा जी, मुझे क्वेश्चन था, ये 9 grids जो बने हैं सर, उसमें फर्स्ट वाले में आपने वेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड सेल्फ वर्थ लिखा है सर, ये चाइनीज वाला है कि ये इंडियन वाला है सर? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उल्टा कर दूंगा तो इंडियन बन जाएगा, इसको ऐसे लिखा हुआ है तो चाइनीज हो गया, क्या फर्क पड़ गया? नहीं समझी सर, मतलब नंबर 4 वाले जगह में वेल्थ आया है ना सर, ठीक है, जब हम इंडिया के हिसाब से अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर हमें वेल्थ वाला कहाँ पे लगा? कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया और पाकिस्तान या चाइना का, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली वो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बेस्ड है, डायरेक्शन में क्या है कि जरूरी नहीं कि मैं नॉर्थ ऊपर लिखूं, मेरी मर्जी, मैं नॉर्थ को नीचे लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
जैसे आपने दिया है वैसे ही हम पिक्स लगा वैसे लगा दीजिए। हाँ जी वैसे लगाए, और ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आपने मेरे से वास्तु नहीं पढ़ा, मोस्टली लोगों ने फेंग शुई पढ़ा था, तो मैं पता लगा यहाँ उल्टा कर दूं तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते। तो मैंने अपने तो वही तो में, समझ में आ रहा ना कि क्या उल्टा करना है क्या सीधा करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने जो मैंने पिक दिया उसको एज इट इज लगा देना। ओके एज इट इज लगा देना, बिल्कुल एज इट इज लगा, बात खत्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चाइनीज है इंडियन है, वो बेसिकली दिशा है, वो दिशा है और कुछ नहीं है, दिशा है, ठीक है, चाहे इंडियन दिशा हो या चाइनीज दिशा हो, ठीक है। हम चाइना वाले क्या करते हैं, हम चाइना वाले साउथ को ऊपर लिखते हैं, तरीका है लिखने का, हम इंडिया में नॉर्थ को ऊपर लिखते हैं, बस फर्क ये है, इसलिए सीधा उल्टा हो जाता है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस तरह से आपने दिया है बस हम वैसे मैंने लिखा है उस तरह से लिखना है बस। ओके ओके ठीक है सर। सर एंड मंत्र चैंटिंग का जो आपने बताया था वो, जैसे शुक्र का मंत्र है या किसी का भी मंत्र है, वो मैं डेली करना है सर कि उन्हीं के डेज में करना है? नहीं, अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लेकिन नहीं कर सकते तो उस दिन तो एटलीस्ट कीजिए, उस दिन है, और कितने भी दिन कंटिन्यू कर सकते हैं सर? कितने भी दिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बेटरमेंट होती है। जॉब के लिए एंड बेबी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? शुक्र के कर सकते हैं सर? देखिए बेबी का कंसर्न होता है, पेरेंट्स अगर कभी तो पेरेंट्स के लिए बेबी जो है जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह, ठीक है, और जॉब का कारक होता है सैटर्न, तो शनि और जुपिटर के उपाय करने पड़ेंगे। ओके, जॉब के लिए शनि, हाँ जी, एंड बेबी मतलब सो बेबी अगर अपना इल है तो अगर करना वो भी तो भी, बेबी नहीं हो रहा, बच्चे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, बच्चे को दिक्कत है, बच्चे से दिक्कत है, दोनों उस कंसर्न में आप जुपिटर के मंत्रों की चैंट कीजिए, डेफिनेटली 100% रिलीफ मिल जाएगा। ओके सर, एंड अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं जैसे मेरे पास, तो फिर शुक्र को करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमने आपको प्रोटेक्शन सिंबल्स दिए हुए हैं वहां पर, तो वो प्रोटेक्शन सिंबल्स आप हस्बैंड वाइफ की फोटो के पीछे लगाइए, ओके, तो आप इसको लगा सकते, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जुड़ जाएगा, ठीक, थैंक यू सर, चलो थैंक यू। यामू जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर एक्चुअली मेरे दो तीन सिंपल से क्वेश्चन है सर, एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भोज पत्र क्या होता है। छोड़ दो, भोज पत्र एक काइंड ऑफ पेपर है जो कि पेड़ों से निकलता है, एक छाल निकलती है, उसको भोज पत्र बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, प्राचीन समय में भोज पत्र पर लिखा जाता था, कुछ चीज लिखनी है कुछ चीज बनानी है, तो भोज पत्र पहले इजिली अवेलेबल थे, और पहले पेपर नहीं था ना, तो भोज पत्र क्या है वो पेड़ों से निकल रहा है, अब हमने प्रोसेस सीख लिया है, हमारा मशीनरी आ गई कि पेड़ों से कैसे पेपर बनाएंगे, तो आप पेपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सर ये जो हमारा पर्सनल यंत्र है उसको हम किसी भी पेपर पे बना सकते हो, व्हाइट पेपर पर बना सकते हो, ब्लू या ग्रीन पेन से, या कुछ हमने बताइए जो कलर वो कलर वही यूज करें आप। अच्छा ओके, और सर एक चीज मुझे पूछना था सर, इसमें ना मेरा लाइन नंबर मिसिंग है सर, तो इसमें लाइन नंबर मिसिंग है, और मुझे ये चीज भी नहीं समझ में आई जो मिसिंग नंबर्स वो रीड करके जो आपने लास्ट में पढ़ा, आपने क्या करना है, आप हमने आपको दोबारा लिटरेचर भेजा है, उसके अंदर शायद योगा ने आपने एग्जांपल के साथ समझाया है ना उसमें, स्टेप बाय स्टेप समझाया वहां पर, तो आपको जो अभी ई मटेरियल आपको हमने पीपीटी जो भेजी है, जो पीडीएफ फाइल जो भेजी है लिटरेचर की, उसको फॉलो करेंगे समझेंगे ना आराम से समझ में आ जाएगा, उसमें स्टेप दिए हुए हैं कि कैसे कैसे स्टेप से निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो नंबर आपका मिसिंग है उस नंबर का एक प्लैनेट होता है, उस प्लैनेट का न्यूमेरिकल यंत्र होता है, उसकी जगह पर वो न्यूमेरिकल यंत्र आपने प्लेस कर देना है, बना देना है, बस जी। ओके, ओके। जैसे कहीं पे पैसे स्टक हो गए तो उस इंसान का हमको फोटो नहीं मिल रहा है, तो हम नाम लिखकर उसका नाम लिखकर बिल्कुल उसका नाम मोबाइल नंबर लिखिए पेपर पर, ठीक है, उसके पीछे अपना प्रोटेक्शन सिंबल बनाइए, मनी वाला जो बताया हुआ आपको, रिकवरी वाला, ठीक है, तो वो भी काम करेगा। ओके सर, और एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो हम आपने जो चार्ट दिया है जो 45 देवी देवता का है, तो आपने उसमें कहा है कि जहाँ पे सोम लिखा हुआ है उसको नॉर्थ साइड को नॉर्थ की तरफ रखना है, बस बस, मतलब बाकी साइड्स की कहीं पे भी जाए वो अपने आप आ जाएंगे, वो अपने आप एलोकेट हो जाएंगे अपने आप। ओके सर, जब आप शीट को घुमाओगे या बनाना शुरू करोगे ना तो वो अपने आप ही सब अलाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपको दिवाली की मुबारक है, नेपाल को भी पूरी नेपाल को दिवाली की मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई है, और बहुत गहरे संबंध रहे हैं नेपाल के, और हमारी तो
माँ सीता मैया का भी स्थान जननी वही की है, तो उनका तो इसलिए तो हमारे नेपाल और भी ज्यादा बहुत ज्यादा हमारे शिव महाराज जी शिव जी का मंदिर है वही निकले थे शिव जी हमारे, ठीक है। तो हमारा तो एक ऐसा कनेक्शन है कि हम तो चाकर भी अलग नहीं है, बिल्कुल हम लोग भले देश अलग थे लेकिन हम लोगों के कल्चर सारा सेम है, सब कुछ इंसान से जो रिश्ता है वो कभी अलग हो ही नहीं होता। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभिषेक शर्मा अभिषेक जी सॉरी नहीं अखिल अखिलेश अखिलेश प्लीज। यस सर, सर आपने बताया था कि मैं वो भी बताएंगे कि हमारा कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो हमारे फाइनेंसेस को रूल करता है, वो मैं तरीका बता दूंगा, निकालना आपको खुद पड़ेगा अगर ज्योति चाहते हैं आपको। सर मैंने किया हुआ शास्त्राचार्य तक। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो क्या होता है अल्लाह वो बनता है आपको पता होगा धनयोग है ना, धनयोग बनते हैं डीवन चार्ट से लगन चार्ट से, इसी तरह से एक वो बनती है क्या नाम है उसका इंदु लगन कुंडली। कौन सी सर? इंदु लगन, ये नहीं पता सर। तो सीख लेना मतलब आप जब आपको ज्योतिष तो थोड़ा आता ही है लेकिन आप पता लगे ना इंदु लगन कुंडली कैसे बनती है, गूगल पे पूछेंगे किसी बुक में लिखी होगी बना लेना, तो उसके हिसाब से भी एक कुंडली बन जाती है आपकी इंदु लगन के हिसाब से, ठीक है। और एक डी टू तो छोड़ दो आप क्योंकि वो जो डी टू है लाभ मंडूक है वो आपको सिखाना पड़ेगा, वो किसी बुक में मिलेगा नहीं। तो दो कुंडली बनाएं आप ये अपनी, एक तो ये इसकी बन गई डीवन चार्ट की और एक दूसरी वाली, ठीक है। अब इन दोनों कुंडली में धनयोग बनाओ आप, जो केंद्र अपना फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस सेकेंड हाउस और इलेवंथ हाउस के कम्बिनेशन धनयोग बनता है। अब इन दोनों में देखो एक कॉमन प्लैनेट आएगा जो वहां पर भी धनयोग में शामिल है और यहां पर भी दोनों धनयोग में शामिल है, वो प्लैनेट आपकी कुंडली का की प्लैनेट है धन देने के लिए, या एक से ज्यादा प्लैनेट ऐसे आ सकते हैं तो वो धन देगा आपको। उसको चैंट करो, उसको उसको रेमेडी करो जितनी कर सकते हो, उससे रिलेटेड रिश्ते होते हैं। जैसे मान लिया किसी का मरकरी निकला है, जैसे मेरा मरकरी है, मेरा वो प्लैनेट मरकरी है बुध है, ठीक है। और जब जब मेरी लाइफ में बुध आता है मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसा का मतलब पैसा नहीं किसी भी तरह की प्रॉस्पेरिटी मुझे मिलती है। अब बुध का रिलेशन देखिए, यही यही तरीका है कि आप अपने जितनी नॉलेज आपको होगी ना उतनी चीजें आप दी बेस्ट कर सकते हो, ठीक। तो अब क्या करेंगे, मरकरी का रिलेशन आपकी बहन बुआ बेटी से होता है, ठीक है। तो अगर आप इनको गिफ्ट दें, इनको खुश रखें, इनकी ब्लेसिंग ले जितनी, उतना ही आपका प्रॉस्पेरिटी होने वाली है। और भगवान की ऐसी कृपा है, मेरे पास चार बुआ है और चार ही मेरे को बहुत प्यार करती है, उनकी ब्लेसिंग इतनी है मेरे को, ठीक है। और मेरा लगन भी बुध का है, मैं कमा भी बुध से रहा हूँ। बुध क्या कम्युनिकेशन का कारक है, स्पीच का कारक है। तो आप सभी बोलते हैं सर आप समझा तो समझ में आता है, ये मैं नहीं समझा रहा, ये तो बुआ की ब्लेसिंग लगी हुई है मुझे। भाई समझो, सारे रिश्ते सारे प्लैनेट आपके घर के अंदर हैं। फिर लोग कहते हैं पैसा नहीं आ रहा, अब कोई मर्द कहता ना पैसा नहीं आ रहा, तो मैं कहा पक्का तू बीवी को तंग करता है भाई, तभी पैसा नहीं आ रहा। साक्षात लक्ष्मी है उसकी, उसकी इज्जत कर, उसको रोज गिफ्ट दे थोड़ा थोड़ा, देखो वो खुश है तो पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। राधिका जी, राधिका जी इटली से हैं, इटली को दिवाली की शुभकामनाएं जी। राधिका सर आपको भी, हम तो यहाँ मनाते नहीं है, अब मनाएंगे। भाई मनाने का मतलब ये है प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उनको बोलो भाई दिवाली मनाने से प्रॉस्पेरिटी आती है लाइफ में, पैसा आता है, संपन्नता आती है, तो देखो पूरा इटली मनाना शुरू कर देगा, सबको चाहिए चीज, तो इसमें क्या होगा। बिल्कुल सर, वैसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस आपसे बात करनी थी मुझे, बस ब्लेसिंग लेनी थी एंड जो माया जी से भी। और उनसे मैं एक सवाल करूं, जैसे जब मैं करती हूँ ना मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा उसमें से बाहर निकलने का मन नहीं करता, फिर मेरे मन में यही आता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, मतलब कि मैं बैलेंस करना मुझे पड़ जाता है कि जैसे अभी मेरी कह देते हैं उम्र नहीं है कि अब आप नहीं छोड़ सकते अपनी गृहस्थी ये वो, तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है, तो दिमाग पे भी बहुत सा पड़ जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बनी, मैं कुछ और करने के लिए है मेरे अंदर मैं बनी हूँ कि मुझे वो चाहिए। लेकिन अब सर की गाइडेंस से तो काफी कुछ मैं बैलेंस करना सीख भी गई हूँ कि धीरे धीरे कि कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जिस दिन आपने कल भी मेडिटेशन करवाई
तो ऐसा ऑरा मेरे तरफ बन गया था कि मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती थी। जब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझसे कुछ छूट गया। तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि वो चीजें ऐसे ना मुझे फील हो कि वो मुझसे छूट रही है ना, क्योंकि जब मैं दोबारा कनेक्ट होती हूँ तो अब भी मेरे मैं मतलब कि बोल रही हूँ ना तो अब भी ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ है। तो मैं अब कुछ और भी मैं ध्यान मतलब कि एक जैसे सर ने कहा 3 नंबर नहीं है मेरे पास लेकिन मैं मेरे पर पता नहीं मैं जब से ज्यादा जाप करने लगी हूँ तो मुझे गुरु भी मिले हैं और मतलब सही रास्ता भी मिला है, सब कुछ मिल रहा है। जैसे 3 नंबर की जो बस मैं अपनी बात नहीं कह पाती अभी ये बाकी है मेरे में। तो यही तो 3 नंबर की डेफिशिएंसी है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सर मैं आप भी अपनी बात को समझा नहीं पा रही लेकिन पता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, देखिए जिसकी नेक नियत होती है ना डिवाइन एनर्जी अपना वो कहते हैं ना योग माया कैसे कहती है उस एनर्जी को सब पता है कि कहाँ ठीक करना है, वो अपना ठीक करती चली जाएगी। बस आप बोलोगे तब भी नहीं बोलोगे तब भी जी। योग माया जैसे इन्होंने कहा ना आंखें खोलो बाहर आओ, मेरा तो मतलब कि एक अलग सी दुनिया में पहुंचे हुए हैं, वहां से वापस आने को मन नहीं करता मतलब कि वो। राधिका जी आपका नाम ही देखिए क्या है, शायद इसी नाम की वजह से मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। बिल्कुल आपका नाम ऐसा है कि राधा रानी से ज्यादा कृष्ण जी के बारे में कौन सोच सकता है ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो एनर्जी है वो उस तरह की है कि बार बार आपको वहां पर एक खिंचाव महसूस हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी, आप और ज्यादा उसमें नहीं घुसना चाहते। नहीं तो, मैं जाना चाहती हूँ लेकिन जैसे मेरे बच्चे हैं मेरे हस्बैंड है ना तो उनको डर लगने लग जाता है, वो उनको ये होता है कि ये घर छोड़ के ना, मैं कह मेरे को होता भी है कुछ देर से ऐसा महसूस होता है कि मैं चली जाऊंगी कि मेरी दुनिया कहीं और है। मैं मतलब कि लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए ही नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि अंदर से आवाज आती कि तेरी जरूरत किसी और को भी है। और मैं मतलब कि हीलिंग अब आपसे सीख रही हूँ लेकिन मैं हीलिंग अपने तौर पे पहले भी कर देती थी, मुझे नहीं पता कैसे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रेकी सीखने के बाद ही हीलिंग करते हैं। मैंने बताया ना माँ के अंदर सबसे पहले बच्चा होती है क्या फीलिंग आ जाती है, अपने आप रेकी ऊर्जा आ जाती है ना माँ के अंदर। तो देखिए राधिका जी क्या होता है ना कि कई बार हमारे को एक फैमिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर है ना, तो उनसे तो हम कोई ना कोई कर्ज है ना जिसको हम चुकाने के लिए आए हैं। फैमिली क्यों मिली है कि कोई कार्मिक अकाउंट था जिसको हमें पूरा करना है, तो आप फैमिली की तो सेवा करो पूरे मन से करो, और ये मत समझो कि ये मेरे पति हैं मेरे बच्चे हैं, आप ये समझो कि आपके ये भी आपका ही संसार है एक तरह से। आप अपने पति की आप अपने बच्चों की सेवा करते हो, आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, सास ससुर की करते हो, वो आगे जाके अगर वो खुश रहेंगे तो वो आगे जाकर कितने लोगों को खुश करेंगे जी, बहुत सारे लोगों को। ये जो माइंडसेट है ना ये भावना हम सबको अपने अंदर लेकर आनी चाहिए कि हमें लगता है कि अगर हम स्पेशली जो औरतें होती है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ बनके अपने ही घर वालों को खुश रखते हैं, हम तो संसार के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये फीलिंग ही सबसे माइंडसेट जो है ना ये बिलीफ सिस्टम बहुत गलत है। आप जब अपनी फैमिली की सेवा करते हो उनको खुश करते हो उनको एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हो तो वो इतनी इन्फेक्शियस होती है कि वो जितने लोगों से मिलते हैं वो उनको मिलती है। फिर हमने कल सुना था ना अगर आप क्लास में थी कि चैतन्य महाप्रभु जी का कैसे था, हाँ जी, कि आपके अंदर अगर वो भक्ति जागेगी तो वो सबको मिलेगी। तो ऐसा मत सोचिए कि अभी आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हो काम, अभी भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, और जैसे आप रेकी में आए हो तो आप आगे बढ़ोगे तो आप घर बैठे लोगों को, आप सेकंड लेवल पे आइए, आप घर बैठे लोगों को हीलिंग भेज सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग आप सीखोगे, और आप और ऊपर आगे थर्ड लेवल में जाओगे आपकी और ज्यादा अच्छी इफेक्टिव हीलिंग होगी, आप ग्रुप हीलिंग कर सकते हो। तो
आपने बिल्कुल सही रास्ता ऑलरेडी चुन लिया। अपनी एनर्जी को धन्यवाद दीजिए, उससे अलग मत होइए एनर्जी से। आप उसे समझिए कि वो एनर्जी आपका माइंडसेट खोलना चाहती है। कि आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ अपने परिवार में अगर 10 लोग हैं तो आप उन 10 लोगों के लिए ही काम कर रहे हो। आप ये सोचो कि वो 10 लोग रोज, हर एक इंसान 100 लोगों से मिलता है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं हमें कि भैया रिक्शे वाले से भी आराम से ढंग से बात करो, है ना। वो भी एक रिस्पेक्टेबल काम कर रहा है, तो हम अगर उससे अच्छे से बात करते हैं तो उसे अच्छा लगता है ना। तो वो आगे जो सवारी को बिठाता है, अगर वो सवारी गुस्से में होती है तो वो क्या करता है, कोई बात नहीं, चलो मुझसे किसी ने तो आज ढंग से बात करी है तो मेरे अंदर कुछ ऊर्जा है तो ये कुछ होगा परेशान, कहने दो इसको अगर जोर से भी बोल रहा है। तो आप ये सोचिए समझिए कि चेन इफेक्ट बन रहा है, तो आप ऑलरेडी मदद कर रहे हैं। अगर आप अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे हैं तो, उनको खुश रख रहे हैं तो, उनको अच्छी ऊर्जा रोज दे रहे हैं तो, आप पूरी दुनिया का भला घर बैठे कर रहे हैं ऑलरेडी। जी उनमें चेंजेस भी आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेरे बेटे में बहुत आया चेंजेस। मैं मतलब कि उन्होंने आपकी जैसे 2 क्लासेज हो गया ना, उसमें इतनी अच्छी आ गई है ना कि मैं नहीं वो कर पाई, तब भी मैंने उसको कहा था कि बाप जब माँ समझाते हैं तो मानते नहीं, उसमें बहुत चेंज कि कहा कि ना मन में किसी भी चीज का जैसे तेरा मन कर शो जैसे तू पहले रहता था वैसे खुश। मेरा यही पर्पस कि हर बंदे के फेस पे स्माइल देख सकूं। बस आपको अपने घर से आपने काम शुरू, आपने ऑलरेडी स्माइल्स का एक खजाना खोल दिया है, ठीक है। अब आप सोचिए बच्चे फ्यूचर जनरेशन, आपने किसी एक को भी आपने सिखा तो वो आगे कितने लोगों को बदल, तो आपने फ्यूचर का कितना लंबा सोच करके आपने अपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने बेटे को सिखाया, ये बहुत आपने कंट्रीब्यूशन किया। यही तो ऊर्जा आपसे कह रही है, और तो ऐसा मत सोचो कि आप वो नहीं कर रहे जो ऊर्जा आपसे कराना चाहती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं ऐसे होती हूँ उस चीज जब हम मतलब कि बताना नहीं आ रहा जब अगर आप अगर आपको लग रहा है कि आपको काम करना है, और मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ आपका प्रॉब्लम वो ये मैं समझ रही हूँ कि आप जब साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप इतना लंबा निकल जाते हैं कि आपको डर लगता है कि मेरे को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी देखना है, सिर्फ ये नहीं करना कि मैं ध्यान साधना करती हूँ ना, तो मुझे उस चीज से बाहर नहीं आना चाहती मैं। मतलब कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन आना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम बहुत अच्छे यज्ञ हवन में जाते हैं तो ये जितनी भी ऋषि मुनियों ने चीजें निकाली है ना, ये ऐवे नहीं निकाली, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। तो जब भी आप किसी बहुत अच्छे यज्ञ हवन में जाते हैं तो क्या होता है, प्रसाद दिया जाता है। वो प्रसाद क्या होता है, मीठा। मीठा क्या करता है, आपकी एनर्जी को ग्राउंड कर देता है, बैलेंस कर देता है। जो आपको इतना ज्यादा आपके अंदर सात्विक गुण बढ़ जाता है ना, उसको शांत करके राजसिक में ले आता है। राजसिक गुण आते ही आप अपनी फैमिली लाइफ में हो जाते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको मेडिटेशन ज्यादा हो रहा है, कुछ आप थोड़ा बहुत मीठा जो गुड़ है उसे कहते हैं इसे खा लिया ज्यादा चाहिए, तो मीठा खाइए, गुड़ से बनी हुई चीज खा सकते हैं। और दूसरा एक होता है कि अगर आपको और क्रिस्टल का साथ चाहिए तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको कल भी आप लोगों को बताया था, बिलावा स्टोन की ब्रेसलेट आती है एक जी, इसको पहन के आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है जी। तो आपका क्या है, ग्राउंडिंग रहेगी हमेशा। जब भी आप कहीं तुलसी की माला तो नहीं पहनते? नहीं, ठीक है, तुलसी की माला नहीं पहनी अभी। 2 महीने से ना मैंने बस येलो कलर के क्रिस्टल पहने हुए हैं। वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। तो आप ये वाला पहनिए, आपकी ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली होगी। और हमेशा जब भी मेडिटेशन करें अपने पास मीठा रखिए, और करते ही अपना प्रसाद समझ के उसे खा लीजिए, आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है राधिका, थैंक यू। पूरी इटली को हमारी तरफ से बधाइयां, पूरे देश में प्रॉस्पेरिटी आए,
ऐसा काम करो, इटली वाले कहें यार ऐसा कौन रहता है यहाँ पर, इतनी प्रॉस्पेरिटी कैसे। सर मेरा मन ये है कि मैंने ऐसा करना है कि आप लोगों को बुलाना है यहाँ पर। चलो ठीक है, पहले हिंदुस्तान का भला कर लें थोड़ा मैडम, ठीक है। आप भी तो हमारे हमारे ही पार्ट हो, तो आप हम आप वहां हैं तो हम सोच रहे हैं हम ही वहां बैठे, कनेक्ट कनेक्टेड कनेक्शन जोड़ना है ना। मेरा बॉक्स आपके पास पहुंच जाएगा, 1 रुपए का नोट भी आपने रखना उसमें अब। ठीक है ठीक 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 चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। कुहुल सिंह जी, तो अभी ना हम आगे आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए सभी की, क्योंकि सबको रेमेडी चाहिए होती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए नवंबर में बहुत जल्दी एक कलर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन इनकी रेमेडी क्लास आएगी। पहले तो मैं सोच रहा दो दिन की कर देंगे, लेकिन अब आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए हर एक क्रिस्टल्स के क्या मीनिंग है उसको एज पर वास्तु, एज पर न्यूमोलॉजी, एज पर टैरो, ठीक है, एज पर फेंगशुई हम कैसे यूज करें, कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं उसका, तो बहुत ही मिरेकल वर्कशॉप है। पहले 2 या 3 दिन की सोच रहा था, लेकिन अब लग रहा है 5-6 दिन की करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक क्रिस्टल्स के बहुत सारे मीनिंग है। वो क्रिस्टल आपके चक्रा पे कहाँ काम करेगा, आपके घर में कहाँ काम क्या काम करेगा, आपके ज्योतिष में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये क्रिस्टल बहुत कुछ देते हैं हमें, तो एलोबरेट करके पूरा एक अच्छा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत जल्दी आपको न्यूज मिल जाएगी। कुहुल जी, सबका नंबर आ रहा है, लाइन से आ रहा है, जिसने जैसे हाथ क्रेज किया मैं वो नंबर ले रहा हूं। कुहुल जी सिंह, कुहुल सिंह सॉरी। हेलो सर। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अपने रेमेडीज बताई, तो ये सारी हम वाले दिन पूजा के टाइम पे ही? हाँ, पूजा के टाइम रखना है इनको, उस टाइम ये नहीं कि बनाना शुरू करना है, पता लगे माँ लक्ष्मी वेट ही करती रहे, अगर आप रात के 12 बजे तक सारी चीजें अरेंजमेंट करने पे लगे, पहले सारी चीजें अरेंज कर, हाँ सिंबल्स हैं, जो भी आप पर टूल यूज करना है उसकी तैयारी पहले से करके रख लीजिए, आप अपने अपने न्यूमेरिकल यंत्र बना के रख लीजिए, ठीक है, अपना जो चार्ट पर है 45 देवी देवता वो बना के रख लीजिए, अपना जो मैंने फेंगशुई के 9 एरिया ऑफ लाइफ और साइकिल बताया वो बना सब बना के तैयारी कर लो पहले, उसके टाइम जब पूजा करेंगे उनको वहां रखो, ताकि पूजा के टाइम ये चार्ज होते रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा इन टूल पर आए और उसको फिर यूज करो आप। जैसे पूजा के बाद फिर हमें इसको यूज करना है? हाँ, पूजा के बाद पूजा में रखना है। हाँ, बिल्कुल। ओके, और सर जैसे ये जो आपने ये पर्सनल जो यंत्र बताया, इसमें नीचे जो ट्रायंगल है इसमें ये क्या नंबर से ड्राइवर और कंडक्टर, आपका डेट, डेट का टोटल और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ओके, जैसे सर मेरा 2 मई है, 2 मई 1991 है, तो 2 और 9 हो गया, और फिर उसके नीचे कौन सा नंबर आया सर? 9+2 11 11/2। ओके, तो सर जो आपने चार्ट दिया है पीडीएफ में उसमें ये नंबर सर कुछ थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो गया, आप एक बार चेक करना। अच्छा, जो मैंने आपके वीडियो से जब अपना चार्ट बनाया तो वो डिफरेंट आ रहा था, वहां पे कुछ डिफरेंट उसमें। चलो देख लेंगे एक बार, चेक कर लूंगा मैं। ओके, एंड सर ये जो फेंगशुई वाला जो आपने बताया था, इसमें हमें फोटो प्लेस करने हैं, तो इसको अपनी डायरी में जो मेरा पर्सनल इसमें हम अगर ऐसे चार्ट्स में फोटो प्लेस कर ले वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना है उसको। अब डायरी ये नहीं ना बंद करके रख दिया अगले साल ही देखी जा रही है, उसको देखना है सामने, विजुलाइज करना है। क्या होता है कुछ चीजें पहले कॉन्शियस माइंड में जाती है, और जब हम चीजें प्रैक्टिस करते रहते हैं, चीजें दिखती रहती हैं और सब चीजें, तो कुछ टाइम के बाद वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मान ले अभी आपने कोई रेमेडी की, आप कॉन्शियस माइंड से कर ली, लेकिन वो सबकॉन्शियस में नहीं पहुंची, जब तक वो सबकॉन्शियस में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सुपर कॉन्शियस से जुड़ा हुआ, हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जुड़ा हुआ, तो जब तक वो चीजें सबकॉन्शियस में चला जाए वो कैसे जाएगी? हम कहीं फिजिकल रूप में देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं उसको, सिंबल्स को देख रहे हैं, पिक्चर्स को देख रहे हैं, क्रिस्टल्स को देख रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उसकी एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है, और फिर वो बहुत जल्दी काम करना शुरू करता है, इसलिए बोला जाता है सामने रहो, विजिबल रहो। ओके, तो सर जैसे जो डायरी उठा के देखो आप डेली, थोड़ी देर उसको देखो बस। ओके, और सर ये जो सिग्नल्स हैं कुछ मनी प्रोटेक्शन के हैं, कुछ इविल आई प्रोटेक्शन है, कुछ सेल इंक्रीज करने वाले हैं, तो ये सारे सिंबल हम यूज कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में? हाँ, या बिल्कुल, कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते, आप सारे कर सकते हो, और ये आपने नहीं करने, लोगों को भी देने हैं, ये आपके लिए नहीं दिया, लोग परेशान हैं, एक्चुअली हेल्प करनी है लोगों की।
ओके तो एक्चुअली मैं फादर का बिजनेस है तो उसमें कुछ अप डाउन चल रहे हैं तो आई थॉट कि मैं शॉप पे इस तरह से मैं बना बिल्कुल बिल्कुल अब मैंने डायरेक्शन भी वहां लिख दी है पीपीटी में डायरेक्शन मिल गई होगी कौन सा सिंबल्स को किस तो सर ये जो वॉल पे बनानी है तो किस चीज से बनानी है सिंपल पेपर से बना लो ना सिंपल व्हाइट पेपर पे सिंबल्स बनाओ इनको फ्रेम करा के स्टिक कर देना है हां बस ये स्टिक कर दीजिए अच्छा फ्रेम बना के करो अच्छा एक फ्रेम बना लो उसका चाहे वो रिबन से बनाते हैं बच्चे नहीं बनाते वो कुछ चिपका के फ्रेम बनाते तो मतलब दिखना चाहिए आपको लगे कि आप कुछ चीज देख रहे हो तो मजा आ रहा है देख के अच्छा लग रहा है पहले क्वेश्चन माइंड से अच्छा लगता है ना इसने बोला था कि खाना कैसा बना वो बात की बात है खाने की प्रेजेंटेशन कैसी है आया कैसे है खाना ठीक है तो सबसे पहले इंसान आंखों से देखता है बाकी तो वो चीजें काम करेगी क्या करेगी बात की बात है पहले दिखे तो अच्छा पता लगेगा ऐसा यंत्र बना दिया सामने खुद ही नहीं देखने को अच्छा लग रहा तो उसकी एनर्जी का क्या रिसीव करोगे सुंदर सा यंत्र बनाओ तो सर जैसे हमने शॉप पे बनाया तो शॉप पे तो भाई और पापा रहते तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि इस पे डेली आप धूप दीप दिखा दो हाँ धूमबत्ती दिखा दो एक बार मंत्र चैंट कर दो ठीक है इस तरह की चीजें बता देना हाँ क्योंकि हम चलो मैं बिलीव करती तो मैं तो ठीक है कर लूंगी उसको देख के भी कर सकती हूँ बट वो लोग बिलीव इतना नहीं करते कोई बात नहीं उनको बोल देना जी मैंने बोला है मैं तो बच्चा आपको ना मेरे पे विश्वास कर लो करके देख आई मीन धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी समझ के दिखा देंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा अच्छा ऐसा कोई सिजिल है जो एज ए टैटू हम लोग ऐसे बनवा ले जो हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं उनको भी अच्छे से रखे और करियर को भी रखे बहुत सारे हैं अभी जब एक सिजिल सिंबल्स का अलग से कोर्स ला रहे हैं 100 प्लस सिजिल सिंबल्स है हमारे पास 120 के आसपास तो आपको सिखाएंगे कि एक एक सिंबल को कैसे बनाए कहाँ कहाँ प्लेस करना है कैसे उनका फायदा उठा सकते हैं ठीक है जल्दी आना एंड सर बस लास्ट क्वेश्चन मेरे को पर्सनली अपना जो चार्ट है बचा रहा आपको दिखाना है तो आप मेरे को कब अपॉइंटमेंट दे सकते हैं पर्सनली आप कनेक्ट कर लेना मैं वही जवाब दे दूंगा अभी दो तीन दिन व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते फोन कर लेना बस नहीं तो गरिमा को फोन कर देना मैंने कहा ना जब भी मेरा रिप्लाई ना आए तो गरिमा को कनेक्ट कीजिए गरिमा को फोन कर एक्चुअली सडन कुछ प्रॉब्लम्स एकदम से सारे एरियाज में आ रही है तो आई थॉट कि मैं आपको अपनी कुंडली एक बार दिखा देना ओके सर ओके थैंक यू सर हैप्पी दिवाली तो देखिए अब सुंदर अब प्रॉस्पेरिटी का सिंबल क्या है माँ लक्ष्मी सभी देवी देवताओं में माँ लक्ष्मी को कभी देखना आप कितने गहने मतलब एक चमक अलग है कहते हैं ना पैसे की चमक अलग होती है प्रॉस्पेरिटी की चमक अलग होती है जब माँ सरस्वती को आप देखेंगे तो उन्होंने इतने गहने गहने नहीं पहने हुए वो ज्ञान की देवी है लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी की सिंबल है वो माँ लक्ष्मी है माँ लक्ष्मी गहनों से लदी हुई है सोना सोना बिखरा पड़ा है अलग सी चमक उनके चेहरे पे देखेंगे आप ठीक है ना तो ये बात है और चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी आप सिंबल का यूज करना शुरू करो जितने कनेक्टेड हो इन सिंबल से रहोगे उतनी ही लाइफ अच्छी बेटर होती चली जाएगी चलो सोनिया सोनिया जी प्लीज जी नमस्कार सर जय श्री कृष्णा एक चीज आपका ये वर्कशॉप ज्वाइन करके दिमाग में आ रही कि अब की दिवाली खुशियों वाली सीरियसली सर टैगलाइन दिवाली खुशियों वाली तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है पहले तो योग माया मैम आपको लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आप इतना डीपली लेके चले जाते हो ना कि मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन पूरा दिन कहीं आपके साथ हम लोग जाए और मतलब कहीं आप ऐसा वर्कशॉप करो ऋषिकेश वगैरह में और हम सब वहां हो हमारे जैसे लोग और आपको बस सुनते रहे और सर की रेमेडीज हो जाए तो क्या बात है साथ में सर ऐसे करिएगा मतलब हम जैसे जो आपने आपने दे दिया है आप क्लू दे दिया मैं तो वैसे तड़प रहा होता हूँ होली प्ले बताने के लिए मैं तो जब मौका मिलता भाग जाता हूँ अभी शायद पता नहीं होगा मैं एक महीने के अंदर तीन बार वृंदावन हो गया हूँ तो मौका मिलता ना मुझे पता लगा यार छुट्टी है चलो आज मैं बंक मार सकता हूँ क्लास से मैं भी क्लास से बंक मारता हूँ कभी कभी जैसे बच्चे होते ना यार आज नहीं चलो कृष्ण जी बुला रहे हैं मैं तो छुट्टी कर लूंगा चलो कृष्ण जी की तरफ तो चले जाओ निकल जाओ करेंगे डेफिनेटली करेंगे दिमाग में है मैं वही प्लान करूंगा कि एक मेडिटेशन ट्रिप बनाए मेडिटेशन का और दो तीन दिन हम जाएं और वहाँ अच्छा सा कुछ सीखें सर बिल्कुल सर प्लीज उसको करिएगा मच नीडेड है सर पहला क्वेश्चन ये है कि वसुधा को हमें कैसे क्या करना है कैसे करना है वसुधा को सिंबल को सिंपल जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से वसुधा सिंबल को बनाना है एक प्रोसेस है उसका बनाने का तो प्रोसेस आप देख लीजिएगा वहाँ लिखा हुआ है या वीडियो भी आपको मिल गई होगी ठीक है वहां से प्रोसेस सीख लीजिएगा और वसुधा सिंबल क्या माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय सिंबल है ये मान लो आप ठीक है सुबह उसको बनाओ अपने बनाकर उसके चेक पर बनाकर रखो और चेक को फिर आपने संभाल कर रखना और ये श्री मंत्र को हमें 108 बार या 108 बार 108 बार
सर ये जो यंत्र है पर्सनल यंत्र और जो नोशो ग्रिड है, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी किसी चीज का आइडिया नहीं मुझे, कोई बात नहीं, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है सर? मतलब डिफरेंस है, एक तो हमने आपका पर्सनल टूल बनाया है कि कैसे हम ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करें, ठीक है? ओके, वो है आपका पर्सनल टूल। और एक है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड में क्या है, कई बार क्या होता है ना, हम कहते हैं हमारे इतने सारे एरिया ऑफ लाइफ है, हर जगह से प्रॉस्पेरिटी आए हमारे पास। अब कुछ नंबर हमारे पास है नहीं, कोई नंबर मिसिंग होगा, कोई नंबर एक्टिवेट नहीं है, कोई नंबर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो सारे। अब मैं पर्सनल कुंडली तो बड़ा मुश्किल है सबको देखना, सबको बताना, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा टूल क्रिएट कर लिया जिससे कि जिसका नहीं है उसका आ जाएगा, जिसका है काम नहीं कर रहा वो काम करना शुरू कर देगा वो नंबर, ठीक है? और जो कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। हमने एक ऐसा टूल जनरेट कर लिया, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी को फीवर है तो किसी को कुछ नहीं बता तो क्रोसिन तो खा लो यार, बुखार तो उतर ही जाएगा, तो बात की बात है, इन्फेक्शन था क्या था वो तो डॉक्टर के पास जाना फिर, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है ना फीवर में। तो वही हमने क्रिएट किया है कि भाई कुछ ना से सबका नहीं दे सकते हम, इतना टाइम नहीं होता कि सबका मैं बताऊं यहाँ पर, तो मैंने एक ऐसा टूल जनरेट कर लिया कि आप सभी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर एक रिक्वेस्ट है कि आप रेकी का जल्दी लेके आइए, बिकॉज हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है हमें, पर कहीं ना कहीं कुछ रह गया है कमी, तो हमें लगता है कि वो मुझे ऐसा लगता है बार बार कनेक्ट, जैसे मुझे दो चार दिन से इधर काफी कोल्ड एंड वेरी नॉट द ब्लॉक है, सेल्फ हीलिंग भी कर रही हूँ पर मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखिए रेकी तो हम लेकर आए हैं, पहला लेवल तो हो गया हमारा, लेकिन कुछ लोग चूक गए हैं पहला लेवल करने में, तो बहुत जल्दी हम पहला लेवल लेकर आएंगे। और जो सेकंड लेवल में है तो उसका 21 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तो दिवाली के बाद जब 21 दिन हो जाएंगे और फिर जब हमारा टाइम सूट करेगा दो चार दिन बाद, तो फिर हम आपको सेकंड लेवल भी जल्दी अनाउंस कर देंगे कि इस दिन हमारा सेकंड लेवल हो रहा है, ठीक है? और जिन्होंने फर्स्ट लेवल चूक गए हैं वो बने रहिए, हम फर्स्ट लेवल फिर दोबारा से लेकर आ रहे हैं। सर जल्दी, मैं तो वेट कर रही हूँ, तो आपका कोई मैसेज मिस नहीं करने वाली कि कुछ मिस नहीं हो जाए मेरे से। एंड सर एक चीज है कि सर मेरी दाई आंख बहुत फड़क रही कई दिन से, तो क्या ऐसा कुछ? और तुम, मुझे लगा मैं किससे पूछूं, एक आप ही हो जो मुझे सही। लेफ्ट राइट? राइट राइट साइड। ओके, तो लेफ्ट राइट साइड इज गवर्न बाय द सन, सूर्य से गवर्न होती है जी। तो कि सोल लेवल पर कुछ चीजें तंग कर रही है, कुछ उठ रही है, तो उसको पहचानो। मतलब एक सोल लेवल की कोई डिजायर है आपकी, उसको पहचानो वो क्या है। सर न्यूमरोलॉजी सीख रहा, बहुत टाइम से सर, और अब लग रहा है कि पास आ रहा है। न्यूमरोलॉजी जल्दी बैच लॉन्च हो रहा है, शायद आपको डेट पता लगेगी, 10th ऑफ नवंबर से हमारा टैरो एंड न्यूमरोलॉजी दोनों बैच शुरू हो रहे हैं। तो सर तभी ये शांत भी होगा, तब तक ये फड़कता ही रहेगा। नहीं शांत कर लो, अब मैंने डेट तो बता दी आपको कि भैया लॉन्च हो रहा है, अब तो बात ही खत्म हो गई, अब तो शांत कर लो। सर एक चीज पूछना है, मेरा ड्राइवर 3 है, कंडक्टर सॉरी ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 3 है। तो मेरा नाउ आई एम 41 इयर्स ओल्ड, तो मेरा अभी 3 नंबर मुझे लगता है रूलिंग है, तो क्या मैं 6 की रेमेडी कर सकती हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली लाइफ इज नॉट लाइक मतलब वो नहीं है, 6 नंबर इज मिसिंग। कर सकते हो, ये लोगों ने गलतफहमी फैला रखी है। हाँ, ये बहुत ही मिस कहते ना, मिस लीड किया जा रहा है आपको, मिस गाइड किया जा रहा है आपको कि आपके पास ये है तो वो, जैसे मैं कल एग्जांपल बताया था 2 नंबर वाले का कि भैया मदर से मदर के पास मत जाना, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नंबर है तो दूसरे की रेमेडी नहीं कर सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो नंबर होना बहुत जरूरी है, वो गलत इफेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है वो तो बाद में ठीक कर लेंगे, आप नंबर को लाओ, 6 नंबर की रेमेडी करो, कर सकते हो। हमारा मोटिव यही है आपको ज्ञान दें, जैसे योग मैंने अभी क्या बताया था आपको कि हम आपको इस तरह से इतना ऐसा हीलर बनाना चाहते हैं कि आप दुनिया को हील कर सको। हमारा मकसद ये आपको ठीक करने का नहीं है, हमारी सोच भी नहीं होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इसकी रेमेडी कर दूं, इसको ठीक कर दूं, उसकी नैरो सोच है। हमारी सोच ये होती है कि आपको इतना बड़ा हीलर बना दें कि आप पता नहीं कितने हीलर क्रिएट करें, तो जग में हमें मल्टीप्लाई करना है अपने आप को, वरना तो कब तक करते रहेंगे हम, इतनी पॉपुलेशन है, हम एक को हील करते हैं 100 बच्चे उस टाइम में पैदा हो जाते हैं, तो फिर भी नहीं है जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं संसार में, अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम अपनी चेन क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने आपको सिखा दिया, आप 2 को सिखाओ, आप 10 को सिखाओ, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी जनसंख्या पैदा नहीं होगी उससे ज्यादा हीलर पैदा हो जाएंगे। देखो वो सोच के देखो कि हर बंदा हीलर है,
कितना अच्छा संसार नजर आएगा, ना कोई राग ना कोई द्वेष ना कुछ, सब एक स्वर्ग यही पैदा कर सकते हैं स्वर्ग को। सर सतयुग जैसा नहीं लग रहा कि सतयुग आ जाएगा? तो मैडम साइकिल तो ही है ना, अब सतयुग तो दोबारा पलटा पलटी मारेगा ना। यस सर, सर कलयुग में बताएगा ना, कलयुग लास्ट है, उसके बाद फिर साइकिल घूमेगा। यस सर, बस इसलिए हमारी हमारी इंटेंशन चाहे वो हम एजुकेशन दे रहे हैं, मेरा मकसद आपको ये नहीं है कि मैं आपकी रेमेडी करूं, और कंसल्टेशन देने में मैं थोड़ा सा वो भी करता हूं कि यार कंसल्टेशन क्या लेनी, तो सीख लेना। मैं कंसल्टेशन दूंगा, तुम्हारी कुंडली ठीक करूंगा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ठीक करूंगा, अगर मैं तुम्हें सिखा दिया तो सोचो आप कितने का भला करोगे। मेरी भी एक लिमिटेशन है ना, मैं 24 घंटे में कितने लोगों की कंसल्टेशन कर सकता हूँ, 10, 15, 20, लेकिन मैं इसी 20 घंटे में मतलब 24 घंटे के अंदर मैं लाखों लोगों को पढ़ा सकता हूँ। अब लाखों लोगों को मैंने एजुकेट कर दिया, वो आगे 10 लाख को कर सकते हैं, वो आगे 10 करोड़ को कर सकते हैं, तो हमारा मिशन थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीखो, ज्ञान लो, हीलर बनो बस। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हम तो बस क्यों सिखाने, है ना, इसलिए कहते हैं सर आप तो सब कुछ बता देते। अरे भाई हम चाहते हैं सीखो ना, जो लोग नहीं बताते उनकी सोच नैरो है, वो चाहते हैं कि हमसे बंधे रहें बस, हमारे कुंटे से बढ़े रहे, है ना, हमसे पैसा देते रहे, हमसे बार बार कंसल्टेशन लेते रहे, है ना। एक बंदा जुड़ गया, अब इसको हर साल मैं रेमेडी बताऊंगा, हर साल कोई ना कोई परेशानी आएगी, और ये तो मेरा क्लाइंट पक्का हो गया, 10,000 रुपए का साल का एक क्लाइंट पक्का हो गया। ऐसे 100-200 क्लाइंट बना लो तो आपके खर्चे चलते रहेंगे, हमारा मकसद वो है ही नहीं। हमारा मकसद है आपको एजुकेट करना, सिखाना, और आप हमसे सीख के अलग हो जाओ, बढ़ो। जैसे एक कहानी आती है कि एक ऋषि था, बहुत ऊंचा ऋषि था, एक गांव ने उसकी बहुत सेवा की, ठीक है, उसने बोला जाते आते बोला जी आशीर्वाद दो गांव को, उसने बोला सब उजड़ जाओ, सब उजड़ जाओ, पूरा गांव उजड़ गया। फिर एक दूसरे गांव गया, उन्होंने उसको कोई ना इज्जत की ना कुछ, मतलब उनका नहीं किया मान सम्मान, तो उन्होंने कहा बसे रहो। अब एक बंदा वहां मिल गया जो वहीं से उजड़ के आया था उस गांव में, कहला महाराज ये क्या कर रहे हो, हमने इतनी सेवा की, हमें तो उजाड़ दिया आपने, और इनको कह रहे हो बसे रहो। तो बोला यही तो बात है, ये नेगेटिव एनर्जी है, इसको यहीं तक बसे रहे तो बढ़िया है, और तुम सारे पॉजिटिव एनर्जी बन चुके थे, तो अब मैंने कहा उजड़ जाओ का मतलब है आप एक बंदा एक ही गांव में जाएगा तो उस गांव को ठीक कर दोगे। अब आप हमारा मकसद यहाँ पर यही है कि हम चाहते हैं हर घर के अंदर हीलर हो, हर घर के अंदर एक कंसल्टेंट हो, ताकि आप अपने घर को ठीक कर लो, अपने नियर डियर को ठीक कर लो, ऐसे दिन ऐसा आएगा सतयुग वाकई में आ जाए। ये सोच है हमारी, और इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। ऑल द बेस्ट सर, आपके इस मूवी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग एंड आपको विशेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लो माया कुछ कहेंगे आप? सर मैं थैंक यू ही बोलूंगी सोनिया जी का, कि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाते हैं और भगवान का भगवान को याद करते हैं हम कि आप क्लास लेंगे आप पढ़ाएंगे, तो एक गाना है ना कि करते तो तुम हो नाम मेरा हो, जी नाम मेरा हो रहा है, तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ भगवान ने बहुत अच्छा काम किया है। 100% बात हो गए भगवान, सच्ची बात है। कई बार हम कुछ चीज पढ़ा देते हैं बता देते हैं ना, हम भी सोचते हैं हमने कैसे बता दिया, फिर हमें लगता है हमने कहाँ बताई है। करने वाला तो कृष्ण जी, हम तो पहले बोल के बैठे हैं भाई कर तो पूरा है, हम तो बस तुम्हारे पदचिन्ह पे चल रहे हैं। और सर मैजिक ऑफ सरेंडर ना, आप लोग सरेंडर करके दिस इज द मैजिक। बिल्कुल, और जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उस डिवाइन एनर्जी में, उस विश्वास नहीं जागेगा, कोई चीज काम नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ रेमेडी हमेशा फेथ पे काम करती है, फेथ नहीं है तो काम नहीं करेगी, ठीक है। अब जैसे कोई दूसरा संस्कृति का गंगा स्नान करने जाए और एक हम गंगा स्नान करने जाते हैं, तो पानी तो वही है, वो कहते हैं वो तो नहा के आया है, और हम कहते हैं स्नान करके आए हम, तो हमें ऐसा लगता है पाप धुल गए, ऐसा लगता है जन्मों जन्मों के पाप धोए हम, तो इस फेथ ही तो है, और है क्या, पानी तो वही है, तो फेथ जनरेट करना चाहिए। और विश्वास, विश्वास इतनी बड़ी चीज है, सोचो पत्थर को भगवान बनाया था, विश्वास है तो पत्थर ही, मूर्तियां भगवान दे रहा है विश्वास से, तो फेथ जनरेट कीजिए। और ये एक संस्कृत श्लोक मैं हमेशा बताता हूँ, डॉक्टर टीचर, ठीक है, और दो तीन चीजें और हैं, अगर उनमें विश्वास नहीं होगा ना तो ठीक नहीं हो सकते। कभी नोट कर लेना, मैंने तो बहुत सारे प्रैक्टिकल किए इस पे, इस डॉक्टर पे भी आपको विश्वास नहीं होता ना, ठीक है, तो उसकी दवाई नहीं लगेगी आपको। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल किया खुद के ऊपर, काम ही नहीं करती दवाई, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीता जी। जी सर, राम राम।
जय श्री राम। योगमाया जी को भी राम राम। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपसे जुड़े वो तो है ही, लेकिन आपने योगमाया जी से जुड़ा है। बहुत अच्छा लगता है उनको जो भी बताती समझाती है ना, बहुत अच्छे से समझाती है, और मतलब पूरा सब आता है कि हाँ। अभी वो जो एक ने पूछा था ना नींद का, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम थी, बट मेरा ये जो चक्रा बैलेंसिंग और ये 24 पॉइंट्स वाला कराना वो करते तो मुझे बहुत फर्क पड़ा उस चीज से, मतलब काफी हद तक वो पड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और काफी क्वेश्चन के आंसर तो मेरे मिल गए सर जी, और भी सबने पूछे उसमें, और थोड़े बहुत हैं जैसे वो एक आपने कुछ वो बताया था चार्ट, वो 6 और 8 नंबर जैसे आता है तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। हाँ, और अगर वो... किसी की एक की कमी रहती है तो आता है और पानी की तरह वैसे खर्च भी हो जाता है, मतलब टिकता नहीं है, तो वो मेरे को समझना थोड़ा सा कि उसका क्या है। नहीं वो इसके आप गलत कनेक्ट कर रहे हो, हमने वो डायरेक्शन से कनेक्ट किया था, डायरेक्शन से कनेक्ट कि साउथ ईस्ट से पैसा आता है, लेकिन घर के अंदर पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो आपके घर का नॉर्थ खराब है। अच्छा, कुछ नहीं करें तो एक तो ग्रीन जेड का कोई क्रिस्टल समा रख दीजिए नॉर्थ में, और एक बुध का न्यूमेरिकल यंत्र एक अपने किसी भी रूम के नॉर्थ वॉल पे प्लेस कर दीजिए, तो आपको पैसा भी टिकना शुरू हो जाएगा। बुध का यंत्र और ग्रीन जेड, ग्रीन जेड का ग्रीन जेड के कंबल्स हो, ग्रीन जेड की बॉल हो, वो रख। ये भी आपने वो जो अपना मनी बॉक्स है उसमें भी है ना वो, हाँ, क्या वो, हाँ, वो मनी कॉइन है, वो मनी कॉइन। अच्छा, तो ये अलग से लाके रखूं ग्रीन जेड? हाँ, लाके अलग से रख लो, सिंपल से। हाँ, और जब तक वो क्रिस्टल से तब लाओगे कम से कम इतना तो करो, आपके पास बुध का न्यूमेरिकल यंत्र है, उस पीपीटी से निकाल लेना पीडीएफ से, उसको बना के अपने नॉर्थ पे टांग दो, सिंपल। और ये जो ट्रायंगल वाला ना मुझे भी समझ नहीं आया, अभी भी आपने बताया तो भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, जो चीज समझ लेना के बाद छोड़ देना चाहिए, कुछ आगे ही लिए तो रखो, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, पीपीटी पीडीएफ फाइल को एक बार और गो थ्रू कर लेना, क्या आपका समझ में आ जाए। कोई बात, ओके ओके। और कोई चीज समझ नहीं आ रही होती ना छोड़ दो, कोई बात नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, सारा जो है ना एक सारी करनी है, छोड़ दो, वो एनर्जी आपके लिए है ही नहीं। ओके ओके। और सर जी जो 45 देवता का आपने जिसे बताया, तो अपन जिसे अलग अलग पर्ची आपने बताया कि उस पे लिख के, हाँ, और जो बनाते हैं उसमें रखना है ना, तो ये जैसे जो कलर्स हैं सबके पर्टिकुलर अलग अलग, तो अपन उसी कलर के पेन से लिख दो तो भी काम करेगा बिल्कुल, कुछ सिम्बोलिकली कलर आने चाहिए, तो दिया इस कलर का ले आओ, जिस खाने में जो कलर है उस कलर का दिया वहां रख दो, उनके नाम उस पेन से लिख दो, कैसे भी कलर को लाना है। आपने कैंडल भी बोला था कि दिए, मैंने कैंडल भी बोला था, एक बार क्या आता ना हमारे कई जगह दिए नहीं जलाए जाते, वहाँ कैंडल मिलती है, दिए मिलती है नहीं कई जगह, आप कैंडल जलाओ उस कलर के। ओके ओके ओके। वो दो क्वेश्चन मेरे योगमाया जी से हैं कि मैम ये चक्रा बैलेंस जैसे अब हो गए तो कैसे समझ पता चलेगा अपने को कि हाँ ये अपने बैलेंस है, और अब फिर आगे कैसे तरह से करना है, इनकी क्या प्रोसेस होती है? आप जब भी चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आप क्या बोलते हैं आखिर में? वो स्थापित हो, लगातार स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, मेरे मेरे हाँ बोलिए। हाँ, ये मेरे चक्रा वो स्थापित हो, स्थापित हो, 3 बार जो बोलने का है ना। हाँ, उससे पहले क्या कहते हैं? और स्टार्टिंग में तो लगातार नहीं करे, नहीं आप मेरे सभी चक्रास जी पूरे तरह से स्वस्थ हो गए हैं और बैलेंस्ड हो गए हैं। अच्छा 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 अच्छा, है ना? अच्छा, सामंजस्य में काम कर रहे हैं, तो आपको हर चक्रा मेडिटेशन करने के बाद आपके बैलेंस हो ही रहे हैं ना, कब हो जाएंगे? अच्छा, क्या हो रहे हैं? अच्छा 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 जी, हाँ ना, रोज आप जब भी कर रहे हो आपके चक्रा ही बैलेंस्ड हो रहे हैं। जी जी, जब आप आगे चलोगे हमारे साथ लेवल 2 में, तब हम आपको समझाएंगे और ज्यादा डीपर लेवल में जाएंगे चक्रा मेडिटेशन के। अच्छा, अभी आप लोग इसको, ये सिर्फ 21 दिन की बात नहीं है, हाँ? ये आपके जिंदगी भर आप इस ये करोगे, उसके बाद लेवल 2 में जाओगे, आप कुछ और करोगे जी, तो आगे जी, बढ़ोगे, है ना? तो इसको ये मत समझिए कि हाँ चलो 21 दिन के बाद इसको
फिनिश कर देंगे। नहीं 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 आगे भी कंटिन्यू कर कंटिन्यू रखिए, और रोज यही आपको मानना है कि आपके चक्र रोज बैलेंस हो रहे हैं, रोज एक सामंजस्य में आ रहे हैं। ओके ठीक है। आप में से अगर कोई से कोई भी लोग अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजाते हैं, जैसे गिटार हो गया या सितार हो गया या हारमोनियम हो गया, आप जब भी उसे बजाते हैं ना, आपको बैलेंस करना होता है जी। आप बजा के छोड़ते हैं फिर आपको बैलेंस करना होता है। एक ध्वनि निकल रही है आपके सारे चक्रास में जी, उसको जब आप यूज कर रहे हैं ना आप दिन भर उस एनर्जी को जी, उसको यूज करके आपने बैलेंस करना है ना। हाँ ठीक है ठीक है। और ये जो 24 पॉइंट वाला है, तो मैम जैसे अपन पंजे पे आते हैं तो अपन बोलते हैं मुट्ठी बंद करके कि लगातार उपचार के लिए स्थापित हो स्थापित हो स्थापित ऐसे करके, तो जैसे आपने बोला कि 4 टाइम 2 टाइम भी कर सकते, तो उस समय भी अपने को जहाँ पर भी आप रोकेंगे वहां पर आप रेखी ऊर्जा को स्थापित कर देंगे। मुट्ठी बंद करके नहीं, हाथ हथेलियां खुली हुए में ही आपको बोलना है स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। मुठियां बंद करके तो आप वहां से ऊपर ऐसे नमस्कार मुद्रा में धन्यवाद वाली उसमें है। एक मैम एक थोड़ा सा मेरे पेट के लिए ये प्लीज आप उसके लिए बताइए कि ये ना समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कम से कम 1.5 महीना हो गया ये खाना नहीं खा रहा है। इसके मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, काफी मतलब सारे डॉक्टर्स को भी दिखा लिया पर कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो ये खाना नहीं खा रहा है। और एक हो सकता है कि जिसे बेटी शादी हुई उसकी वो भी चलेगी, बेटा जॉब लगा तो वो चले गया, तो क्या उन दोनों की वजह से ऐसा कर रहा है? उनसे बहुत अटैच था उस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। डॉग है ना आपके पास? डॉग है। हाँ देखिए डॉग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, मेरा वाला मेरे से अटैच है तो मतलब वो मेरे को छोड़ता नहीं अभी तो पूरे टाइम। ये जो मतलब जैसे डॉक्टर ने बोला पेडिग्री रूल्स मैंने सब तरह तरह के दे दिया, नहीं खा रहा कुछ भी। तो देखिए ये क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ चले गए, उसको डर सा लगता है ना कि कहीं कोई और वो कैसे समझाए। अब इन्हें कैसे समझाएं? तो आप क्या करिए, आप अपने डॉग को जब भी खाना दे रहे हैं ना जी, हमने रेकी चार्ज वाटर सीखा था हाँ। आप उसमें ये डालिए कि ये जो है इस इमोशनली उस वो अनबैलेंस हो जाते हैं पेट्स बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे अगर जिससे भी अटैच होते हैं, अगर अगर मेरी तबीयत खराब है मुझे चोट लगी तो वो खाना नहीं खाएगा, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे 3 दिन लगे वो खाना नहीं खाएगा, मतलब नहीं खाएगा क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे अब उनको हीलिंग एनर्जी देनी है। ठीक है तो आपको उसको करना है कि इमोशनली वो बैलेंस हो चुका है, मतलब उसके जितने भी इमोशंस हैं वो बिल्कुल डिसबैलेंस है इस समय उसके, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या मेरे साथ। और आप तो आप उसे खाना दे रहे हैं तो आप उसमें अच्छी एनर्जी दीजिए कि मेरे जो डॉग है उसका नाम बोल के कि ये अब बिल्कुल इसकी इमोशनली बैलेंस हो चुका है, इसके अंदर अच्छी ऊर्जा आ चुकी है और ये खुश है। और आप उसको रोज आधा घंटा समझाइए अपने पास, जब भी आपके पास बैठे वो आपको लग रहा है कि वो बातें नहीं सुन रहा, वो सारी बातें समझता है और सुनता है, तो आप उसे समझाइए कि बेटा बेटी दोनों अच्छे हैं सही हैं, वो अपने आगे करियर में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गए हैं और तुम मेरे साथ सही हो खुश हो तुम सुरक्षित हो और वो मिलने आएंगे तुमसे मिलते रहेंगे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके भी पास पेट्स हो, डॉग का अलग होता है कैट का अलग होता है, तो डॉग के लिए आप सभी लोगों को ये करना है कि वो जब भी इस तरह से कोई उनको एक चेंज आता है ना बहुत बड़ा घर में, आपको उन्हें समझाना है कि वो चेंज क्या है और वो क्यों आया है और वो अच्छे के लिए आया है। ठीक है तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली क्या मैम अचानक से 3 मेंबर कम हो गए, मम्मी जी की जिससे डेथ हो गई और वो भी इससे अटैच थी, सब ठीक हो जाए वो चले गए और बेटा भी बाहर है, तो अब इसको एकदम से महीना 1.5 महीना हो गया वो ठीक हो जाएगा। आप उसको हो गए आप ये सब ट्राई करिए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर जी। ओके जी थैंक यू। हां थैंक यू थैंक यू। जय श्री कृष्ण जी। कृष्ण योग माया आपको भी जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।
मैडम आपसे तो मैंने सीखा नहीं, अभी आगे से कोशिश करूंगी। हाँ बिल्कुल सर, मैंने ये पूछना था अभी वो कार्ड पोस्ट किए अभी के करने हैं अभी का, उन्होंने एड्रेस तो नहीं मांगा अभी। कल से होंगे। अच्छा जी, एक सर मेरा और क्वेश्चन था, जैसे आपने शुरू में मेरी बेटी को ना 4 लड्डू कहे थे गणेश जी को बताने के लिए, उसने आज मेरे तो काफी 3-4 महीने से वो कर रही है और रेगुलर करती रहे, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर करें, जब तक जिस डिजायर जिस विश के साथ आपने वो रेमेडी स्टार्ट किया जब तक वो नहीं आती उसको करते रहिए। उसने हेल्थ के लिए, आपने उसकी हेल्थ के लिए बताया था, तो बेटर हुई नहीं हुई ये बताओ? हाँ आगे से काफी बेटर है, वो कह रही थी भी, तब सर ने बोला था भी कुछ देर करने भी, अभी मैं करती रहूं कोई प्रॉब्लम? जब तक हेल्थ ठीक नहीं होती तब तक करते रहो। अच्छा आपने बोला था ना नेक्स्ट ईयर ही ठीक होगी इसकी, पता नहीं मैडम तो मैंने डेट ओवर देख के बोला, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। नहीं भी करी जाए ना उसको पहले। हाँ करी जाए, करी जाए, बिल्कुल करी जाए। ठीक है सर, वो पोस्ट के लिए एड्रेस गरिमा मैडम मांगेगी? गरिमा मैम मांगेगी, वो कल अपने अपने आप मांगेगी, वो ग्रुप में लिख देंगी, आप उनको एड्रेस दे देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू आशा जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण आशा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने पर्सनल यंत्र जो बनवाया था सर, तो उसमें फर्स्ट लाइन तो मेरे से बन गई, पर उसके बाद में ये नंबर्स कहाँ से कैसे आ रहे वो समझ में नहीं आया। तो अभी ना आपको नई पीपीटी मिली है, अभी पीपीटी शेयर हुई है ना, उसमें प्रोसेस बताया है उसका, उसमें जो बीच में जो नंबर लिखा वो सर कहाँ से कैसे लिखा? वो जो बीच में नंबर लिखा है वो जो उसके ऊपर जो दो नंबर है ना उनको ऐड कर आया है, और जो साइड में जो नंबर है उसमें साइड में जो नंबर है वो जो सबसे ऊपर जो 4 नंबर लिखे हुए हैं जी सर, और जो उसके नीचे 2 नंबर लिखे हैं उनको ऐड करके आया हुआ, लेफ्ट वाले लेफ्ट, राइट वाले राइट। तो वही आप, मैंने वही देखा बीच का नंबर कहाँ से है वो समझ में नहीं आया, तो बहुत कोशिश करी समझने की, पर मैंने कहा सर से पूछ ले, अगर क्लास होगी तो आज सर से पूछ ले। आप दोबारा बनाना और रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना तो वहां पर प्रोसेस है, मैं समझाया जा रहा हूँ प्रोसेस रिकॉर्डिंग में, या फिर आपके पास जो अब नई पीपीटी आई है तो उसमें आपको वहाँ दिख जाएगा। नहीं आपने समझाया, आपने जब समझाया था सर तो उस समय लाइट चली गई, नेट का कनेक्शन खत्म हो गया, इसलिए मिस हो गई थोड़ा सा। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना एक बार, और पीडीएफ फाइल जो आपको लिटरेचर भेजा हमने उसमें प्रोसेस बता रखा है। ओके, फिर भी अगर ना आए तो गरिमा को भेज देना, गरिमा बना के दे देगी आप। वही हम कह रहे, और सर जो आपने जो चेक बनाने के लिए कहा है सर, तो वो चेक में सारे जैसे आपने प्रोसीजर बताया बना के, तो दिवाली के पूजा में जितने मेंबर है सब अपनी अपनी चेक बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अरे सबको लक्ष्मी चाहिए, जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा कमाई, उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी। मतलब हस्बैंड अपनी चेक बनाए, हम अपनी बनाए, बेटा अपनी बनाए। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रॉस्पेरिटी सबको चाहिए ना जी सर, हम कहते हैं ना जब तक अकेले रहते हैं तो प्रॉस्पेरिटी नहीं है, परिवार बढ़ता है तो कहते हैं ना भाई कृपा है ईश्वर की, घर में बरकत है, घर में प्रॉस्पेरिटी है, घर में समृद्धि है, जब इंसान बढ़ते हैं तो भी तो समृद्धि बढ़ती है। सब अपना अपना किट बनाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी है, आप एक ही किट मंगवाइए और उसी किट के अंदर माँ लक्ष्मी के जो किट है हमारे पास उसमें सारे चेक इकट्ठे रख सकते हो, परिवार है ना जी सर। तो हमारा जैसे बिजनेस है तो हम लोग बिजनेस वाले गल्ले में रखें कि अपने ऊपर अपने गल्ले में रखें? कहीं भी रखो मैडम, आपकी इच्छा है कहीं भी रख सकते हो, देखो वो टूल है कनेक्टेड है, मतलब एक तरह वाईफाई का सिग्नल होता है ना, जैसे घर में कहीं भी रख दो काम करता है, लेकिन एक अच्छी जगह प्लेस करेंगे तो सबके नेटवर्क अच्छा पहुंचता है, तो वो सबसे अच्छी जगह होती है वो, तो एक तो आपका लॉकर है, एक आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, और एक आपके घर का मंदिर का एरिया जहां आपने पूजा घर बना रखा है, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में मैंने मंदिर रख रखा अपना। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं रख पाते इसलिए मैं तीनों चीज अलग अलग बता देता हूँ, तो उन्हीं के ड्रॉअर में रख दे। हाँ उन्हीं के ड्रॉअर में रख दीजिए, मंदिर के ड्रॉअर में। हाँ जी, और देखिए जब मंदिर में चेक को रखे ना जी सर, तो सभी से गुजारिश है, वो कल बताना भूल गया, तो वहां पर सिर्फ पैसे से रिलेटेड दिमाग में नहीं आना चाहिए, भाई पैसा चाहिए पैसा, वो नहीं, मतलब क्या मांगना है वहां से चेक रखते वक्त, मंदिर में अगर रखना है तो कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमें, हमें पैसे की बात ही नहीं करनी वहां, हमें समृद्धि प्रॉस्पेरिटी चाहिए।
माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा चाहिए, ये मांग है। यही चीज हम डेली पूजा भी करते तो भी यही बोलते हैं, हाँ, तो यही बोलना होता है क्योंकि हमेशा यही कहते हैं अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखो, बस बस प्रॉस्पेरिटी समृद्धि बनाए रखें हमारे जीवन में परिवार में, वो अगर आशीर्वाद रहेगा तो अपने आप ही सारा काम चलता है। हाँ जी, वरना क्या करोगे, अगर पैसे से रिलेटेड चेक रखोगे ना तो फिर वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है उस एरिया में जहां पर आपका मंदिर है या पूजा घर है, तो वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है, लेकिन जब आपके थॉट वहां ट्रैवल करेंगे पैसे से रिलेटेड तो क्या आगे वो मटेरियल फोर्स है, तो वो स्पिरिचुअल फोर्स और मटेरियल फोर्स जब मिलेगी तो फिर वो क्लैश शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या मांगना माँ लक्ष्मी से चेक रखते वक्त, ऐसी फीलिंग रखनी है कि हे माँ लक्ष्मी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में लेकर आएगी, ओवरऑल पैसा अपने आप ही आ गई। ये तरीका होता है मांगने का, बिल्कुल बिल्कुल सही, माँ पैसा दे, माँ ने पैसा दिया, बाकी चीजें दी नहीं, सुकून छीन लिया है ना, इतनी मेहनत करा दी, हम कहते हैं हे माँ हमें प्रॉस्पेरिटी दे, समृद्धि कर, पैसा दे दिया और हेल्थ ले ली, तो हेल्थ ले ली तो फिर क्या फायदा, ऐसे पैसे क्या करोगे, ना खा सकते ना घूम सकते ना पैसे को एंजॉय कर सकते, कुछ नहीं। इसलिए मांगना भी आर्ट है, बिल्कुल सर, मांगना और कैसे मांगना है ये भी आर्ट होती है। सर कल आप तो क्लास में थे नहीं, योग माया जी ने जो हम लोगों को मेडिटेशन कराया था रूट चक्र का, ऐसा मेडिटेशन कराया था, हम तो सो ही गए थे परमानेंट, साढ़े बारह बजे उठे थे फिर, बहुत बढ़िया, ऐसे सोए सब लोग हंस रहे थे कि तुम्हारा अच्छा मेडिटेशन है, हम मेडिटेशन में सो ही गए थे एकदम। क्या क्या बोला जाता है, मैं तो एक आम इंसान को बोलता हूँ सबसे अच्छी मेडिटेशन अच्छी नींद, नींद से अच्छी मेडिटेशन कोई हो ही नहीं सकती, और ये ब्लेसिंग है, सोचो नींद ना हो तो क्या होता, एक बार सोच के देखो। सर मैं कहता हूं इंसान कि सारा कहता है सब कुछ ले ले मेरा, मेरे को गद्दा पलंग एसी कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं घास पे जाऊं मुझे नींद दे दो। नींद एक ऐसी चीज है, ये साक्षात ब्लेसिंग है भगवान की, ये प्योर फॉर्म है मेडिटेशन की, प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज नींद। मेडिटेशन का एक हायर लेवल आता है जहां पर आप अपने आप को खुद देख सकते हो, या वहां शून्य है, कुछ नहीं है, मतलब एक बिल्कुल ब्लैंक चीज है, और जब आप सोते हो तो क्या होता है आपको पता नहीं, तो 6-8 घंटे आप कहां थे, दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, हायर स्टेट ऑफ मेडिटेशन। तो आपको भगवान ने कितनी ब्लेसिंग दे रखी है कि बिना करे रोज मेडिटेशन कर रहे हो यार, ब्लेस्ड। कल तो फर्स्ट टाइम सर फर्स्ट टाइम कल सर हम मेडिटेशन में इतना ज्यादा वो मतलब इन्वॉल्व हो गए कि मैं एकदम सो गए, मेरा कभी भी मन लगता ही नहीं मेडिटेशन में, कभी भी हम कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते, कल फर्स्ट टाइम लाइफ में करा और ऐसा करा कि हम सो गए बिल्कुल। चल अच्छी है ना, वो 3-4 घंटे आपकी बॉडी जो रिलैक्स किया होगा, आपके सेल्स जो चार्ज हो गए होंगे, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, मेंटल लेवल पर है, स्पिरिचुअल लेवल पर है, ठीक है, तो वो आप चार्ज हो गए, अब आप में आए एक अलग सी ऊर्जा आपने देखी होगी आज अपने। पता नहीं बस 11 बजे मैम ने करवाना शुरू किया था और बोले 15 मिनट और फिर हमें तो उठे ही नहीं, हम तो सब घड़ी देखी तो 12:40 हो रहा था, मैंने कर ले क्लास भी मोबाइल भी ऑन पड़ा हुआ और फिर हमने कहा मैम से इतना अच्छा उन्होंने मतलब, हम सच्चे बहुत ग्रेटफुल है आप लोगों के साथ जोड़ के कि नॉलेज तो अलग चीज है पर जिस तरीके से जो हम लोगों का अंदर से जो अटैचमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज है। वो यही हो रहा है कि हम सोल टू सोल कनेक्ट करना चाह रहे हैं और हमारा मिशन ये है कि हर इंसान सोल लेवल तक कनेक्ट हो जाए, बस वो मिशन है हमारा। क्योंकि थॉट्स भी बिल्कुल अब पॉजिटिव रहती है, सोच भी एकदम इतनी अच्छी होने लग गई है कि कभी मतलब हर बात पे गुस्सा आना आता ही नहीं है, कोई बात होती है उसको पॉजिटिव वे में समझा देते हैं सामने, तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। और हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली मैम, आपको भी कृपा बनाए रखिए ऐसे सब पे, कृष्ण जी थैंक यू सर। देखिए क्या होता है, एक सभी के पेरेंट्स ने बचपन में बात सिखाई है, सभी ने सिखाई होगी, हम भी सिखाते हैं, हमने भी सीखी थी, क्या बोलते थे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बताओ अच्छी संगत में रहो, बोलते हैं ना ये संगति तो है मैडम, जैसी संगत में बैठोगे वैसी आदतें बनेंगी, वैसे विचार आएंगे आपको, है ना, इसलिए हमसे जुड़ते हैं लोग कनेक्ट रहते हैं तो सालों साल कनेक्ट रहते हैं, आपने कोर्स और बहुत जगह से किए होंगे, ठीक है, अब आप हमेशा वहां से कनेक्ट नहीं रह पाते कई बार, क्यों, क्योंकि वहां सिर्फ जो कनेक्शन था वो मटेरियल कनेक्शन था, आपने कोर्स किया खत्म, कोई कनेक्शन नहीं सोल लेवल का। हम चाहते हैं हर इंसान जो हमसे कनेक्ट है, हमसे पढ़ रहा है, किसी भी रूप में पढ़ा है, वो कनेक्ट रहे हमसे, जुड़ा रहे हमसे, और हमारी दिल की इच्छा ऐसी रहती है, दिल से पढ़ाते हैं, जो चीज देते हैं दिल से देते हैं, उसके पीछे मटेरियल उतना प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है जी, पैसे ठीक है, पैसे तो कहीं से भी करता है बच्चा, पैसे देता ही है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते हैं पैसा मिलने वाला है, हम चाहते हैं हमारा उद्देश्य दूसरा है,
हम कहते हैं चलो हम कुछ कुछ सिखा पाए, भगवान की ब्लेसिंग है, हमें गुरुओं से ज्ञान मिला, हमने आगे कैरियर फॉरवर्ड कर दिया, आप आगे कैरियर फॉरवर्ड करो, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा स्वर्ग ही आ जाएगा। ये मन में एक संकल्प लिया हुआ है कि स्वर्ग को ही बसाना है पृथ्वी लोक पर, ठीक है, ताकि भगवान फिर हमें मांगना नहीं पड़ेगा, फिर तो पता लगेगा अरे माँ लक्ष्मी का घर ये रहा भाई, फिर ठकटक कर रही है माँ लक्ष्मी जरा कमी पड़ दे दो, अब तो क्या बुलाना पड़ता है इतनी दूर से, इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर दो कि यहीं पर सारे देवता देवता वास करने लगे कि भैया यहीं तो पृथ्वी लोक पर रहेंगे। जैसे एक दो मूवी है ना यहाँ पर, वो एक मूवी है साउथ की, उसमें हम कौन है एक साउथ का हीरो है, उसमें हीरो तो वहां पर यमराज एक बार आते हैं, यहाँ दिखते हैं यहाँ तो बड़ी अच्छी चीज खाने की, वो आइसक्रीम खाता है, क्या नाम है उसका, यम है कादर खान, कादर खान यमराज बन के आता है, वो आइसक्रीम खाता है, उसको इतनी अच्छी लगती है झांस की देता खा लेता है। तो ये देवी देवता भी ऐसा नहीं है, उनको भी अच्छी चीज चाहिए होती है, तभी तो दिवाली पर क्या होता है मिठाइयां बांटी जाती है, भाई कुछ और भी तो बांट सकते थे, मिठाई क्यों, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मिठाई पसंद है, तभी तो बताया था मैंने जो स्पीच सुनाई थी कि माँ लक्ष्मी को मिठाई पसंद है, सुंदरता पसंद है, सफाई पसंद है, तो रोज करो ना सफाई, रोज घर में कुछ मीठा बनाओ। जैसे मेरी मदर की आदत है, वो पता नहीं कब से मेरी तो याद से परे है, जैसे पूजा करती है शाम को डेली सुबह शाम पूजा करती है, और भोग जरूर लगना है, तो भोग लगाओ तो कैसे नहीं माँ लक्ष्मी आएगी, कैसे नहीं प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, आएगी, आप तरीका सीख लीजिए बस, ठीक है। ओके सुनीता जी, हेलो सर, यस सर नमस्ते, मैम नमस्ते, नमस्ते सर, मुझे ये पूछना था कि मैं अभी तो ये किट नहीं मंगवा पा रही हूँ, तो मुझे उसमें से क्रिस्टल या कभी रुद्राक्ष तो मैं ऐसे कभी मंगवा सकती हूँ? मंगवा सकते हो कभी भी, अभी नहीं मंगवा पा रही, इसके लिए रीजन अगर आप बताना चाहें तो मतलब बता सकते हैं, वरना आपकी पर्सनल। सर कुछ नहीं, बस मुझे मनी प्रॉब्लम थोड़ा रहता है और आगे भी मुझे कोर्सेस करने हैं, कोई बात नहीं, आपको, तो मैं अभी थोड़ा सोच समझ के कर। आपको सुनीता जी हमारी तरफ से एक फ्री में मनी विश बॉक्स हमारी तरफ से फ्री में भेजा जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वो क्या है कि आगे मुझे और कोर्सेस करने ही और आपसे जुड़े रहने हैं, सेकंड लेवल भी मुझे रेकी का करना ही है, तो मुझे थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अभी कुछ और मांगा होता वही मिल जाता आपकी, मुझे ऐसा लगा ऐसी कोई डिजायर है आप चाह रहे हो लेकिन नहीं आ पा रहा, उसको नहीं एनर्जी को ला पा रहे हो, कोई बात नहीं, माँ लक्ष्मी ने कहा मैं वैसे ही आ जाऊंगी आप, ठीक है, तो विश बॉक्स आप एड्रेस दे देना, ठीक है, गरिमा को बोल देना सर ने मुझे बोला है, तो बस मेरा नाम ले देना, फिर मुझसे कनेक्ट करेगी, तो मैं आपको भिजवा दूंगी, ठीक है, आपको हमारी तरफ से दिवाली का गिफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, और नेक्स्ट के कोर्सेस भी बताते रहिएगा ताकि मैं आते रहेंगे, आप देखिए जिस ग्रुप पे आप जुड़े हैं यहाँ जुड़े रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इसी ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी आने वाले कोर्स की। जी जी जी, थैंक यू सर। कहाँ से सुनीता जी आप? जी मैं गुजरात बड़ौदा से। बहुत बढ़िया, माँ कृष्ण जी का वास है, उनको हमारा नमस्ते कर देना बस। जी थैंक यू, वृंदावन से ना डेली वहीं चले जाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे अभी टैरो किया और मनी अट्रैक्शन का किया और मैम से मैंने अभी रेकी फर्स्ट लेवल किया है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। सुधीर जी, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण सर। मेरा एक तो क्वेश्चन है कि जब हम वो लोशो ग्रेड बनाएंगे ना, तो आपने कहा कि जो जो हमारे मिसिंग नंबर है वहां पे हम वो पर्टिकुलर नंबर के यंत्र बनाएंगे, और वो मैं समझ गया। फिर आज बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे, ज्यादा नंबर होंगे, तो उस पर आपने कहा कि शिव यंत्र बनाना है, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। तो मैं उसे वही पूछना था कि पहले जैसे कि माई केस आए 4x1 है, तो मैं ग्रेड में 4x1 लिखने के बाद उसके ऊपर रेड में शिफ्ट किया अंतर करूंगा। हां जी, उसके ऊपर क्योंकि क्या होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कई बार आपके पास इतनी एनर्जी है वन नंबर की आप संभाल नहीं पा रहे, और ये शिफ्ट शक्ति अंतर हर चीज को बैलेंस कर देता है। ओके, बस सिंपल। हां, फिर जो कल हमने पर्सनल यंत्र बनाए थे ना, पर्सनल कल नहीं परसों, जब आपने पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो पर्सनल यंत्र बताए थे, हां जी, तो उसमें हम सब नंबर्स लिख रहे थे, एंड में सिर्फ सब सिंगल डिजिट था, सिर्फ एंड में जब ट्रायंगल बना रहे थे, ट्रायंगल जब बनाया था, तो उसमें
नंबर्स में आपने जीरो जीरो को 0801 वैसा कुछ लिखा था, तो वो जीरो ऐसा कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, मेरी आदत है, कभी कभी लिख देता हूँ मैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बेचारा अकेला क्यों छोड़ना किसी को, हर किसी को किसी का साथ चाहिए होता है ना, करेक्ट, कभी कभी फीलिंग आते तो मैं किसी नंबर के आगे जीरो रहते यार, अकेला अकेला इंसान कुछ कहते ना, हमारे कहा बताया अकेला इंसान बाहर नहीं फोड़ सकता, मतलब इस तरह का अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ना रो सकता ना हंस सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो किसी नंबर का मन अगर रोने का किया खुशी मनाने का किया तो उसको जीरो का साथ तो मिलेगा। मुझे सिर्फ यही जानना था इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है। फिर अभी और एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो अभी क्योंकि हमने इतना सारा सीखा ना, मुझे कभी कभी कंफ्यूजन ये है कि मैं करूँ क्या, जो आपके दिल की इच्छा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, जो दिल से कनेक्ट हो पा रहा है, जो आपसे कनेक्ट हो रहा है। मैं जनरली मैं इस चीज से बहुत दूर दूर से मेरा नाता नहीं, मतलब मैं कभी प्रे भी नहीं करता, मतलब कभी मन किया तो किया, फिर कभी कभी अगर कभी एक कभी कभी ऐसा एक बीच में मॉम ने को बोली थी कि तो हनुमान चालीसा दिन में 11 टाइम्स बोलना है, तो मुझे लगता था अरे बहुत टाइम जा रहा है, तो मैं यूट्यूब पे ऑन करके उसका स्पीड 1.5 स्पीड पे रखते हूँ, फास्ट फास्ट जल्दी हो जा करके करना है, तो अंदर से अब तक कभी मुझे आया नहीं कि ये मुझे ऐसा लगता है ये टास्क कर ये करना है, चलो ठीक है कम समय में कैसे करो सर, ये टास्क समय के लिए किया था इन सब चीजों को, इसलिए कभी कभी मेरे पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली चौपाई पढ़ लिया करो उससे काम चल जाएगा, लेकिन मन से पढ़ लो बस, उनका नाम ले लो एक बार हनुमान जी का, तू भी काम करेगा, मतलब इस मतलब कभी वो आया नहीं है, मतलब कोई भगवान को ये नमन करना ये करना, मतलब कभी दूर से जाते मंदिर से हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन फिर कोई बात नहीं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है मंदिर मस्जिद जाने की, योग माया ने आपको एक इतना अच्छा टूल दिया है कि आप अपने विचार अगर शुद्ध रख लेते हैं, अपने थॉट को अच्छा रखते हैं, सबके लिए ब्लेसिंग, सबके लिए सोचो, सबका अच्छा हो, सबका ही भगवान सबका भला हो, और जितनी भलाई कर सकें उतनी कीजिएगा, किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, और बताओ भगवान खुद चलकर आपके पास आ जाएंगे। इवन रेकी रेकी जब कर रहे थे तब भी योग माया मैम ने बोला अपने गुरु जी को ये करो, तो मेरा पहला वो था कि मैं किसको करूं, कि देयर इज नो पर्टिकुलर एसेट जिसको मैं मानता हूं, मैं फिर तभी क्योंकि मैं वो मन में सा सर सबसे बड़ा गुरु माँ होती है जिसने आपको इस धरती पे लेकर आई है, उससे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं, तो माँ को थैंक्स बोलो। मैं फिर वो यूनिवर्सल से सबकॉन्शियस ऐसा जो एनर्जी रहता है मन में, वही सोचा कि जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसी को ऐसा मन में सुख करके मैंने किया। चलो ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। हाँ एक क्वेश्चन याद आ गया, जो हम ये बना रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अपना पर्सनल यंत्र हो या फिर जो लोशो ग्रिड का मिसिंग नंबर वाला, एंड द थर्ड थिंग इज एक और एक आपने बोला है लोशो ग्रिड बना के हर एक वॉट एवर इफ यू वॉन्ट इन योर लाइफ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का एक बॉक्स है ये, तो उसमें आपको फोटोज डाल सकते हो, तो ये कितना बड़ा बनाना चाहिए और हाउ डू वी यूज इट, मुझे कहाँ रखना है, वेयर आई स्टे इन अ वेरी स्मॉल हाउस, तो उसमें हर वॉल में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो वॉल में ऑलरेडी, यहाँ पे एक शोकेस है तो यहाँ पे कबर्ट है, यहाँ तो बहुत मेरे घर में वॉल का स्पेस भी देयर इज वेरी लिटिल स्पेस ऑफ वॉल लेफ्ट। ठीक है ठीक है, देखिए कोई भी वो भी यंत्र हम बनाते हैं ना, तो उसका साइज डजंट मैटर, कोई साइज मैटर करता ही नहीं उसका, आप एक ही एक इंच बाई एक इंच भी बना सकते हो या पूरा 10 फुट बाई 10 फुट भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। डू वी नीड टू पुट इट ऑन अ वॉल या फिर जब या नॉर्मल लॉकर जैसे मनी कहीं भी रखें। देखिए क्या होता है, हम वॉल पर मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है जब तक आप कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, वो तो काम कर रहा है टूल, तो काम कर रहा है, लेकिन जितना कनेक्टेड आप हो जाएंगे उस टूल के साथ उतना ज्यादा बेटर है। तो जब हम रोज एक चीज को देख रहे हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो उसकी एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाती है। ओके ओके, और फिर वो जो काम करता है ना, फिर दी बेस्ट काम करता है। मैं ना ये सोच रहा हूँ जो हम पर्सनल यंत्र जैसे बनाते हैं ना, उसको हम अपने नॉर्मल वो आईडी साइज बना के उसको लैमिनेट करके मैं मेरे पर्स में रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकते हो, मैंने तो बताया, पर्स पे रखिए, वर्किंग टेबल पर रखिए, सामने वॉल पर लगाइए, लोकर में रखिए, कहीं भी रखिए, पर्सनल अब क्या पर्स में रखा हुआ है, जितनी बार पैसे निकालेंगे आपको लगेगा ना, हफ्ते 10 दिन में पर्स सफाई भी करते हैं हम, रोज देखते हैं पर्स में क्या है क्या नहीं, तो रोज क्या दिख रहा है, वो जो चीज दिखती है कनेक्टेड होते हैं उससे। ओके, क्योंकि हमें ना ये छोटे छोटे टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वरना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर कनेक्शन की जरूरत नहीं है, फिर तो आपने याद किया कनेक्शन जुड़ गया, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल उतना नहीं है अभी। बिल्कुल सीए जैसा फील ही नहीं होता, मुझे लगता है कि कोई साध्वी है ये, तो बस ये तो पकड़ रखा है योग माया को, वरना तो ये कब की साध्वी बन जाए, इसको पकड़ के बैठा रखा है हमने।
बस उनको भी थैंक यू बोलना, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, एंड आपके लिए ऑलवेज थैंक यू सर, थैंक यू। अनामिका जी आप इनका क्वेश्चन ले, मैं जरा फिर वो एक रुपए का नोट ले आऊं, मैं तो भूले बैठा था सर, ठीक है आप जब तक। अनामिका जी जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा, योग माया मैम, जय श्री कृष्णा सर। क्वेश्चन तो सर आपके साथ मेरा कोई होता ही नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आप पहले ही इतना क्लियर कर देते हैं कि एक एक स्टेप क्लियर होता है कि अगर थोड़ा सा उसको ध्यान से देखें ना तो सब कुछ क्लियर है। चलो ठीक है सर, स्टार्टिंग से यही रहा है सर, मेरे को तो एक्सपीरियंस शेयर करना था सर, आपने मुझे स्टार्टिंग से ब्लेसिंग्स दी जब मेरा टैरो कार्ड का कोर्स चल रहा था। जो फर्स्ट क्वेश्चन सर आपने वो मेरे को याद है सेवन ऑफ पेंटाकल्स का था, और उस हाँ नहीं वो एस ऑफ पेंटाकल्स और एस ऑफ कप्स और सेवन ऑफ पेंटाकल्स आया था, आपने बोला था कि रिसेंटली जो भी जिसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो बोलो, तो मैंने बोला था सर अकल्ट साइंस में मेरा क्या रहेगा, तो आपने कहा बहुत अच्छा करोगे आप, तो सर आपकी ब्लेसिंग्स और डिवाइन ब्लेसिंग्स की कृपा से सब बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने ये भी बोला था शायद मुझे याद आ रहा है कि पैसा भी कमाओगे। हाँ हाँ सर बोला था आपने, तो सर मेरा कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था उससे पहले मेरी रीडिंग एडवांस आने लग गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। और अभी मैं एक ऐप पे भी आ गई, सब आपकी ब्लेसिंग्स है सर। बहुत बढ़िया, हम तो कुछ नहीं करने वाले, करने वाले कृष्ण जी है, हमारा तो नाम होता है बस। सर करता तो डिवाइन ही है सर, डिवाइन नहीं तो मुझे आपसे मिलवाया था, मेरे को तो डिवाइन ही लेके आई थी आपके पास, किसी का रेफरेंस नहीं था। ठीक बात, डिवाइन को जहाँ लाना होता है वो ले आती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे कहते हैं नेक नियत, जहाँ पर होगी बरकत अपने आप आती है, तो ये भी तो बरकत है सर। आप पहली बार हमसे जुड़, पहली बार ऑकल्ट साइंस में और हमसे जुड़ गए, तो ये भी तो बरकत हो गई, वरना लोग लुटे पिटे आते हैं, फिर 10 जगह कोर्स करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, सीखने को कुछ मिलता नहीं है। हाँ जी सर, मेरे पास भी एक कॉल आया था कि सर क्या रेमेडीज बताते हैं, हमें भी बता दो। हमारी मैम ने तो हमें पहले इंट्रोडक्शन के पैसे ले लिए, फिर टैरोट सिखाने के पैसे ले लिए, फिर कह दिया कि रेमेडियल पार्ट सीखना तो 25,000 और दे दो। 25,000 रेमेडियल पार्ट के। चलो भगवान हमें इतना कमर्शियल कभी ना बनाए, हमें ये डर लगता है कि हम इतना कमर्शियल ना बनाते भगवान, ठीक है ये इतना नहीं कमर्शियल बनना चाहिए था। सर वो फॉल्ट वाले में हो कमर्शियल है ना सर, रेमेडीज अच्छी होती भी नहीं है, वो कवर ही नहीं करती भाई, जैसी इंटेंशन वैसा काम। सच्ची बात कह रहा हूं मैं, जिस इंटेंशन से चीजें करोगे वही आएगा। अब क्यों लोग कमर्शियलाइज हो गए हैं पता है, क्योंकि अब किसान भी गेहूं इसलिए उगाता है कि उसको पैसा मिलेगा। पहले किसान फसल उगाता था ये सोचता था कि मैं अन्नदाता हूं, मेरे मैं पैदावार बढ़ाऊंगा, पैदा करूंगा, मेरे देश के लोग खाएंगे, भूखे नहीं सोएंगे, ये इंटेंशन थी पहले। अब हर किसान ये सोच रहा है कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, फसलें कैसे यूरिया डाल डालकर उसकी पैदावार को बढ़ाऊं, अब उसका इंटेंशन पैसे से हो गया। दुकानदार ये सोच रहा है मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे कमाऊं, हर इंसान यही सोच रहा है कि मैं कैसे कमाऊं, कि फटाफट मैं चीजें बेचूं मेरे को पैसा मिले। अब वो बिक बिकते इतनी मटेरियल एनर्जी उस अन्न में आ चुकी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, वैसा होए मन, तो इंसान इसलिए मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया कि घर घर में मटेरियलिस्टिक वो चीजें होगी, तो बचना जी सर आज माइंड यही है सबका, सीखो ऊपर में आओ, कहते हैं बचे रहेंगे हम, फिर रेकी से अपने उनको चार्ज करो। अब वो जी सर, रेकी में भी सर आपने मुझे कहा था कि रेकी करो तुम बहुत अच्छा लगा योग माया मैम के साथ में मुझे, बहुत अच्छा, थैंक यू, ठीक है जी सर, बहुत अच्छा जी, थैंक यू नामिका, थैंक यू, वेलकम। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि लोग जब ने शुरू की थी तो इतने ज्यादा हैंड नहीं थे, वो खत्म ही नहीं हो रही रो, मतलब मैं सोचता हूँ बढ़ते जा रहे हैं, 10 लेते हैं तो और 10 और आए ना, तो ये चलता रहेगा। तो हमने 1 घंटा दिया था आपको लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं, तो नेहा जी लास्ट में आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, और योगमाया आप इनको क्वेश्चन लीजिए, मैं जरा वो अपना एक रुपए का नोट लेकर आता हूँ, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे 1 रुपए के नोट से यंत्र बनाएंगे। नेहा जी पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम। हेलो जी, जय श्री, बस बढ़िया, आप बताओ। मैम ये मैं कह रही हूँ जो स्वास्तिक का जो क्वेश्चन था, इस ये स्वास्तिक मुझे कैसे बनाना है और मतलब 45 डेज को कैसे अरेंज करना है? आपको पीडीएफ मिल रही होगी है ना, उसमें आप देखोगे कि हमने स्वास्तिक का ना फोटो डाली है, सर ने वो फोटो जो ली है उसमें नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो जो बीच में एक नंबर नहीं है जहाँ पर चावल रखे हुए हैं, चावल के दाने रखे हुए हैं, तो वहां पर सबसे पहले एक 1 नंबर का दिया है वो ब्रह्मा जी का है, उसके बाद सब नंबर लिखे हुए हैं
जैसे बीच में वन है, उसके नीचे टू है, फिर एक ऐसे क्लॉक आप घुमाएंगे ना, क्लॉकवाइज आएंगे, तो 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, ऐसे सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप उस चार्ट को अपने सामने रखिएगा और दिए आप चाहे बेशक एक साथ जला दीजिए, प्रज्वलित एक साथ कर दीजिए, लेकिन आप जो मंत्र बोलेंगे फिर आप उस हिसाब से नंबर के हिसाब से बोल सकते हैं। और ये जो 45 वाला जो चार्ट था वो भी बनाना है और स्वास्तिक भी बनाना है, दोनों दोनों चीजें करनी है? नहीं, आप एक ही चीज कर सकते हैं। आप वो अगर आप चार्ट ले रहे हैं तो आप चार्ट पर ही आप वो दिए रख सकते हैं, या जैसे आपने एक तो है कि आप चार्ट का प्रिंट आउट लेंगे, एक है कि अगर आपने बनाया है पूरा स्क्वायर बना के ना, जैसे सर ने कहा कि नॉर्थ की तरफ आपको सोम देखता कुछ करना है, फिर अपने आप उसी के सीक्वेंस में आप बिठाएंगे तो सब आ जाएंगे, है ना। या फिर आप बड़े कागज पे एक प्रिंट आउट लेते हैं, फिर आप उस पे कैंडल भी चला सकते हैं छोटी छोटी, अगर आपके पास दिए नहीं। तो अगर हम इसका मतलब फोटो निकाल लें तो, फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकाल लें तो आप अलग से स्वास्तिक में फिर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो कॉपी होगी वो प्रिंट आउट होगा वो छोटा होगा, तो आप अलग से फिर स्वास्तिक पे दिए जला सकते हैं, फिर उसको भी रख सकते हैं जो प्रिंट आउट हम निकालेंगे। हाँ, आप प्रिंट आउट को भी निकाल के रखिए। उसको कोई ऐसा है किस डायरेक्शन में रखना है बताएं सर ने, कि जो या तो आप जहाँ पूजा करते हैं वहां रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट पे रखेंगे या ब्रह्म स्थान पे रखेंगे, ठीक है। जब आपको पूजा करनी है दिवाली की, इस 45 देवी देवताओं की, तो आपको या तो ब्रह्म स्थान पे आप रख सकते हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, या आपका जहां पर भी पूजा का घर का स्थान है वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। ओके, एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो हमें ब्रेसलेट पहनना है ये किस हाथ में पहनना है? कौन सा ब्रेसलेट? ये जो किट में आ रहा है, किट में आ रहा है जी, जो मनी बॉक्स में। देखिए, आप कहीं भी पहन सकते हो, बेसिकली हमारा एक वर्किंग हैंड होता है, एक हेल्पिंग हैंड होता है। ये हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, कोई लेफ्टी है तो उसका वर्किंग हैंड लेफ्ट है। ओके, तो इसका मतलब जो भी आपका एक्टिव हैंड है दैट इज योर प्रेजेंट और फ्यूचर, और जो भी आपका नॉन वर्किंग हैंड होता है वो आपका पास्ट होता है। तो अब आपकी इच्छा है कि आप अपने लाइफ के पास्ट कर्मास को ठीक करना चाहते हो या प्रेजेंट या फ्यूचर के कर्मा को ठीक करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आपको क्या फील आता है उस तरह से आप पहन सकते हो। तो राइट में भी पहन सकते हैं, उसके बाद चेंज करके लेफ्ट में भी पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों में पहन लीजिए, इसमें क्या बात है। जिसको एक्टिवेट करेंगे वैसे काम करेगा भाई। गाड़ी अगर सीधी चलती है गाड़ी उल्टी भी तो चलती है, जब रिवर्स गियर लगाएंगे तो गाड़ी पीछे चलेगी, और जब गाड़ी का गियर आगे वाला होगा तो आगे चलेगी। अब क्या यार, गाड़ी दोनों तरफ क्यों चल रही है? अब चल, उसके बाद फैसिलिटी है चलने की। तो इस तरह आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों है। तो इसको हम कितने टाइम तक चेंज कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है, जब आपको फीलिंग आए। कुछ चीजें फील आती है। कितने टाइम तक एक एक हाथ में पहन सकते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा कोई ना तो कहीं शास्त्रों में लिखा, ना कोई ऐसा हमारे पास टूल है कि भाई आपका कौन सा काम हो गया तो इसको बदल लो, ठीक है। तो जब आपको फील आए कि मुझे अब लेफ्ट राइट से उतार के लेफ्ट में पहुंच जाना चाहिए, लेफ्ट से राइट में पहन लेना चाहिए, आप कर लो। ओके, और वो जो आप रुद्राक्ष दे रहे हैं उसको किस पे पहनना है हमें? उसको पहनना है, उसको पहन भी सकते हो, नहीं तो वहां उसमें रख सकते हो, मर्जी आपकी, उसको पहन भी सकते हो। तो उसको किस में पहनना है, काले धागे में या फिर नहीं? उसको आप व्हाइट में पहने या गोल्ड में पहने? व्हाइट थ्रेड में। हाँ, व्हाइट थ्रेड में या येलो थ्रेड में या गोल्डन चेन में भी आप पहन सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो चलो जी, अब मैं आपको हैप्पी दिवाली दोनों लोगों को। थैंक यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब मैं आपको एक टूल बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे एक नंबर के नोट से आप एक ये देख रहे हैं पैरामिड शेप। अब ये पैरामिड क्या है, एक पैरामिड की आकृति बन गई। अब क्यों एक रुपए का नोट, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि एक रुपए के नोट की जो डायमेंशंस है ना, ये जो डायमेंशन है एक रुपए के नोट की, इसकी डायमेंशन ऐसी है कि इसको अगर हम फोल्ड करके पैरामिड शेप देंगे तो एग्जैक्ट जो पैरामिड बनता है जिससे कि एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं मेरी तरफ, वो एंगल अपने आप बन जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक रुपए के इंडियन नोट से ही बन सकता है, और किसी नोट से भी नहीं बन सकता। और आपने देखा होगा जब कभी कब से छपते आ रहे हैं, मतलब हमारे बड़े उससे बड़े भी एक रुपए का नोट देखते आ रहे हैं, और आज तक यही डिजाइन है, यही साइज है, इसका बदला भी नहीं है। ओके, और पैरामिड बहुत काम करता है। जब आप डॉलर को देखेंगे ना कभी, उस डॉलर का भी पैरामिड बना हुआ है, कभी ध्यान से देखना, एक रुपए का डॉलर, एक डॉलर देखना, उसके ऊपर भी पैरामिड शेप बनी हुई है कोने में एक जगह, ठीक है। तो ये हमारे सिंबल्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो शिव शक्ति यंत्र है ये इसराइल के फ्लैग में बना हुआ है,
सोचो इसराइल के फ्लैग में शिव शक्ति यंत्र बना हुआ है, हम रेड से बनाते हैं, उसने ब्लू से बनाया हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ओके, अब करना क्या, आपने इसको बनाना सीख लीजिए, और ये 1 रुपए के नोट से ही बनेगा, सिंपल। ये आपका नोट है, इसको पहले 20 से सेंटर निकाल लो उसका, ऐसे करेंगे दोनों किनारों को मिलाएंगे, किनारे से किनारा मिलाएंगे आप, तो सेंटर निकल आएगा यहां से, इसको सेंटर थोड़ा फोल्ड कर लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, जैसे हम नाव बनाया करते थे या जहाज बनाया होगा सबने अपने टाइम में, तो कि सेंटर से इसको फोल्ड कर देना, सेंटर पहले निशान लगा लिया हमने फोल्ड करके कि कहां सेंटर आएगा, अब सेंटर से इसको ऐसे बना लेंगे। तो नाव भी ऐसे बनती है, जहाज भी ऐसे बनता है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो जहाज बन जाएगा ये, और मैंने बड़े बड़े बनाया है बचपन में जहाज और नाव, मुझे नहीं पता था ये पैरामिड बन जाता है और इससे पैसे भी आते हैं। ठीक, तो आपने ये सीख लिया, पहले सिंपल ये प्रोसेस मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये पूरा नोट है, इसका सेंटर निकाला, सेंटर कैसे निकलेगा, इसको ऐसे फोल्ड कर लो, थोड़ा निशान लग जाएगा, सेंटर निकल गया। अब आपने क्या करना है, इसको सेंटर से ऐसे मिला दो, ठीक है, जो नीचे का हिस्सा बचा हुआ है इसको फोल्ड कर दो इसकी तरफ, इसको फोल्ड कर दिया जितना फैल। अब ये पंख निकले हुए हैं, पर निकले हुए हैं दो इसके, ये और ये, इसको भी उल्टे डायरेक्शन में फोल्ड कर दो, मतलब उल्टे डायरेक्शन में फोल्ड कर दो, जैसे ये है ना, ये क्या है, उधर को खुलेगा, आपकी तरफ को खुलेगा ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपनी तरफ को कर दूंगा, इसको मैंने अपनी तरफ ऐसे कर दूंगा, तो ये एक पैरामिड की शेप बन गई है। अब ये क्या कह रहा है, ये टूल क्रिएट हो गया, जैसे आप पैरामिड इस्तेमाल करते हैं ना, क्रिस्टल के पैरामिड रखते हो, प्लास्टिक के पैरामिड हम लगाते हैं, मेटल के पैरामिड हम यूज करते हैं, तो ये पैसे का पैरामिड बन गया। अब पैसे को अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स में, जहां भी अच्छा पैसा होगा, मतलब मनी भी दो तरह की मनी होती है, एक आपको बिगाड़ती है, एक आपको सुधारती है, तो ये सुधारने वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, गुड फॉर्च्यून, गुड प्रॉस्पेरिटी, गुड मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि शेप ही ऐसी है, ये एंगल इस तरह का एंगल बन गया है कि ये शेप अपने आप में इतनी बड़ी शेप है कि पैसे से शेप बनाई है, तो पैसे को अट्रैक्ट करेगी, सिंपल। ठीक है जी, तो इसको भी अपने जो हम विश बॉक्स आपको भेजेंगे, तो इस तरह का यंत्र बनाइएगा, अपने जो अपना विश बॉक्स है आपका लक्ष्मी का, तो उसमें आप इसको भी प्लेस कर सकते हैं, और इसको भी पूजा रूम में रखना है, मतलब जब आप पूजा करेंगे दिवाली पर, बस एंजॉय कीजिए माँ लक्ष्मी। चलो जी, थैंक यू। देखिए, आज का हमारा कोई कमिटमेंट नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगा, कॉस्ट ऑफ विश बॉक्स बताया 2100 रुपये का हम ये दे रहे हैं, क्योंकि जो हमें कॉस्टिंग पड़ी है इसकी, वो 1900 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग पड़ी है। ओके, और हम इसको 2100 रुपये दे रहे हैं, जिसमें आपके कोरियर चार्ज सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम दे रहे हैं, हमारा मकसद है एजुकेशन करने का, हम कभी प्रोडक्ट से नहीं कमाता मैं। ओके, ये तो आपके लिए भाई 16 प्रोडक्ट हम दे रहे हैं कि आप कहाँ अरेंज करते घूमेंगे, तो हम आपको फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, बस हमारा मकसद ये है। ठीक है जी, चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू आप सभी को, और हैप्पी दिवाली। लास्ट में जाते जाते योग मैं आपका कुछ कमेंट ब्लेसिंग मिल जाए आपके सभी को। आप सभी लोग, बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि आप लोगों को अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे हैं, आप जुड़ने लगे हैं। तो देखिए, माँ लक्ष्मी का यही आशीर्वाद है कि हम सब लोग अपनी जिंदगी में एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की सोचें। एक होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ शायद ठीक हो ही नहीं सकती, हम ऐसे ही हैं, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन एक होता है कि आपने एक यू टर्न लिया गाड़ी से, कहा नहीं, हमारी डायरेक्शन ठीक होगी, जिंदगी में हम सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ेंगे। अभी आपने यू टर्न लिया ही है, कई लोग ऐसा मानते हैं, या वाकई में जिंदगी में उन्होंने अभी यू टर्न लिया ही है, तो बस आपकी यू टर्न लेने की ही देर थी। अब आप जब डायरेक्शन सही होगी, तो आप चाहे 10 की स्पीड रखें, या 20 की स्पीड रखें, या 100 की स्पीड रखें, आप चल तो अब सही डायरेक्शन में रहे ना कभी तो आप पहुंच ही जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप लोग अपनी दिवाली पूजा करिए, और बहुत ज्यादा धन्यवाद दीजिए माँ लक्ष्मी का कि ये यू टर्न लेना ही जिंदगी में सबसे कठिन होता है। बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके इंसान, एक व्यक्ति जो है, वो यू टर्न ले पाता है। तो इतनी ब्लेसिंग है कि आप सब लोगों ने यू टर्न ले लिया, तो अब बस आगे बढ़ते रहिए, चाहे कछुए की स्पीड से चले या आप एक घोड़े की रफ्तार से दौड़े, मंजिल मिली जाएगी, मंजिल तो मिलनी ही मिलनी है। चलो जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सभी का।
हमें ऐसा फील हुआ कि भाई एक दिन और देना चाहिए क्वेश्चन आंसर का, फिर भी दिया। ये तो चलते रहेंगे, लाइफ है, जब तक रहेंगे क्वेश्चन आंसर आपके रहेंगे और हम भी देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम की लिमिटेशन होती है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मैं सभी आपको आप एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, और आप सभी इस डिवाइन का योग माया का थैंक्स बोल सकते हैं। यस माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे ऐसी। सबको बोलना था एक्चुअली, मैंने स्टार्टिंग में भूल गई बोलना। और सर मुझे कुछ आपसे भी पूछना था, क्योंकि सर गरिमा मैम एक अकेली हैं और हम लोग इतने सारे हैं, हाँ, और दूसरे भी बैचेस के स्टूडेंट्स होंगे। सो मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा ग्रुप में ना सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए सबको सर, क्योंकि मुझे ना मतलब कभी कभी बहुत सा दुख होता है कि हम लोग इतने अच्छे हैं, हम हेल्प करते हैं ग्रुप में, बट वी कांट कीप अ पेशेंस कंटिन्यू, क्वेश्चंस क्वेश्चंस, और बार बार कभी वीडियोस के लिए, कभी पीडीएफ के लिए, कभी लिंक के लिए। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ बस हैव पेशेंस, दैट्स इट। क्योंकि मुझे बहुत सर हर्ट होता है, और सर भी एक है जहाँ सर सुबह 11 बजे से लेके रात के हमारे साथ रहते हैं। So please, 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 family, try to understand. So Hina ji is perfectly all right, correct. We should keep patience. Patience रखें। बस कहते हैं ना सब्र का फल मीठा। सब्र का फल मीठा। Explain किया ना, इसीलिए मैंने बोला नहीं, मुझे तभी बोलना था ये सर, क्योंकि सर seriously मतलब because even मैं एक working हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में जब वर्क करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, तो मेरे पास बहुत लोड होता था, तब मुझे समझ में आता था। तो जब सर आप बोलते हो ना गरिमा मैम से जुड़ी या फिर मैं हूँ, तो मुझे वही चीज सर याद होती है मेरी, मेरा खुद का, कि मैं कैसे हैंडल करती। तो वो भी एक अकेली है यार, और फैमिली होती है लेडीज को, हम कितना भी बोल दे ना सर के मम्मी पापा के पास है, बट वो भी फैमिली है सर। ठीक बात। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी सबको कि सर प्लीज सबको बोलिए, आप पेशेंस रहिए, सबको सब कुछ मिलेगा। चलो सर मिल जाएगा, देखिए वही मैं कहता हूँ, दो दिन बाद आएगी, लेकिन आएगा, चीजें आएंगी। इतना तो विश्वास है कि हम ना नहीं चल रहे तो हमें पता है ना। अब वीडियो नहीं चल रहे तो मैं नहीं वीडियो चला सकता, ना गरिमा चलाएगी, हमारा टेक्निकल पर्सन है वो वीडियो चलाएगा ना। हाँ सर यही बात है, तो सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता, और वीडियो मेरे को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। ये काम मैंने गरिमा को दिया हुआ है, और गरिमा ने आगे सुमित को दिया हुआ है, तो हाँ, हमें सारी चीज है। चीज मुझे बोलनी है तो कि बस आपके लिए चल जाएंगे, थोड़ा पेशेंस होके और थोड़ा सिस्टम से चलेंगे ना तो। हाँ बस, क्योंकि आप सही बात गरिमा ने बोली, आप हमारे साथ एक ही बैच नहीं है, अब मेरे पास एट ए टाइम 200-250 स्टूडेंट रहते हैं, और कुछ पुराने भी है, सबकी क्वेरी सॉल्व करनी है, किसी के वीडियो नहीं पहुंचे, किसी को कुछ है, तो बहुत बढ़िया। और इसमें किसी को रखना है पेशेंट नहीं आ रहा आएगा, कुछ नहीं बता देगा, तो साईं जी के दर्शन कराया करो, श्रद्धा और सबूरी वहीं से आ जाए। श्रद्धा मतलब विश्वास, सबूरी मतलब सब, बस ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच सर, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।